अब देखना, स्टार्टिंग विद कंपनी ऑडिट, तो जो अपना चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 10 है कंपनी ऑडिट का, चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा चैप्टर नंबर क्या है। चैप्टर नंबर इज़ अ चैप्टर नंबर गिवन इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हर चैप्टर का एक चैप्टर नंबर होता है, चाहे हम लॉ के अंदर भी डायरेक्टर्स की बात करें, बोर्ड मीटिंग की बात करें, मैनेजर रेमुनरेशन की बात करें, इंस्पेक्शन की बात करें, हर किसी का एक चैप्टर नंबर होता है, यूनिफॉर्म चैप्टर नंबर। तो अब जो सेक्शन 139 से लेकर 148 तक जितने भी सेक्शंस हैं वो फॉल करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, राइट? आपको पता होता है कि आज के टाइम में कंपनीज एक्ट में हर चैप्टर में ना उसके सेट ऑफ रूल्स हैं, अपने को रूल्स के साथ स्टडी करना पड़ता है। तो चैप्टर नंबर 10 में भी जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो है कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। आपको रूल नंबर याद नहीं रखना, बट स्पेसिफिकली आपको इतना याद रखना है कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 और चैप्टर नंबर 10, ठीक है? चैप्टर नंबर 10। अब आप एक चीज सोचो खाली, नॉर्मली आप जब एग्जाम में आंसर लिखते हो आप किस तरीके से लिखते हो? मान लीजिए एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर सेक्शन नंबर याद है तो, अगर सब सेक्शन नंबर याद है तो एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2, 4, 5 जो भी है, अगर याद नहीं है तो ओनली एज पर सेक्शन 139, और अगर कुछ भी याद नहीं है तो एज पर कंपनीज एक्ट। अब आप सोचो, खैर यहाँ क्लासेस लेने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सब सेक्शन नंबर्स याद ना रहे, कंपनी ऑडिट के सेक्शन सब सेक्शन वो गारंटीड आपको याद होना ही होना है। नाउ आप जस्ट सोच के देखो कि अगर आपके आंसर का स्टार्टिंग का फ्लो ऐसा हो, एज पर सेक्शन 139 लेट अस से रोटेशन का क्वेश्चन आया और आप एग्जाम में इस तरीके से लिख के आते हो, जो स्टार्ट करते हो, द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स हैज बीन गवर्न्ड इन सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। सोचो आपके आंसर के स्टार्टिंग का फ्लो ऐसा हो तो कैसा हो? आंसर तो आप लिखने वाले हो नॉर्मल आंसर, बट ऑलवेज द फर्स्ट इंप्रेशन मेक्स द बेस्ट इंप्रेशन फॉर द एग्जामिनर। तो आप जब आंसर स्टार्ट करोगे, अगर वहां पे आप इस तरीके से लिख रहे हो, द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स हैव बीन गवर्न्ड इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, तो द फ्लो ऑफ आंसर कैन बी बेटर, द प्रेजेंटेशन कैन बी मच बेटर, राइट? सो एक वो चीज अपने को दिमाग में डालना है, एक वो चीज अपने को दिमाग में डालना है कि दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। तो हम लोग जब भी आंसर लिखेंगे तो हमेशा अपना कोशिश रहेगा सेक्शन नंबर, चैप्टर नंबर एंड रेड विथ रूल्स। रूल नंबर याद है अच्छी बात है, याद नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको खाली लिखना है सेक्शन नंबर, चैप्टर नंबर, रेड विथ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 और अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो ऑडिट में तो आपको सिर्फ कंपनी ऑडिट में देखने को मिलता है, वरना पूरे लॉ के अंदर जब आप लॉ पढ़ते हैं तो पूरे लॉ के अंदर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, राइट? आप जगह जगह लिख के आते हो पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, पास बोर्ड रिजोल्यूशन, पास स्पेशल रिजोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अभी ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो आप क्या पढ़ोगे? ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। अब सेम इंफॉर्मेशन को एक बच्चा लिखता है पास ओवर, दूसरा बच्चा लिखता है पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, एक डिफरेंस है। अब एक चीज आप मुझे बताओ, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अगर पास होगा तो उसके वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कहां पास होगा? जनरल मीटिंग में पास होगा। जनरल मीटिंग बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है। अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन किसको जाता है? आरओसी को जाता है। अब आप सोचो उसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप ऐसा लिखोगे, द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग, द प्रोसीजर गिवन इन लॉ फॉर अपॉइंटिंग द ऑडिटर इज एज अंडर, स्टेप नंबर 1 कन्वीन ए जनरल मीटिंग, कन्वीन ए एनुअल जनरल मीटिंग। स्टेप नंबर 2 सेंड द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू ऑल द मेंबर्स। स्टेप नंबर 3 पास द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन द ड्यूली कन्वीन्ड जनरल मीटिंग। एंड स्टेप नंबर 4 इंटीमेट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर टू द आरओसी, फाइल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर टू द आरओसी, जहां पे अगर आपको एडिटिव फॉर्म याद है तो इनफॉर्म एडिटिव 1। तो आप सोच के देख सकते हो एक कॉमन आंसर को आपने प्रेजेंटेशन किस तरीके से कर दिया।
कि अगर सिर्फ हम ओआर की बात करें या सिर्फ एसआर की बात करें, जैसे सेक्शन 140 में अपन रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स में एसआर का इंप्लीकेशन देखेंगे, तो वहां पे हम उनसे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। एक स्टेप में बोल देंगे जनरल मीटिंग के बारे में कि कन्वीन करना है जनरल मीटिंग, दूसरे स्टेप में बोल देंगे कि नोटिस देना है जनरल मीटिंग के लिए, तीसरे में बोल देंगे कि जो भी ओआर या एसआर है उसको जनरल मीटिंग में पास करना है, और चौथे में बोल देंगे इंटीमेट टू आरओसी लैंग्वेज का ड्राफ्टिंग डिफरेंस हो जाएगा। छोटे छोटे चेंजेस जो आपके लैंग्वेज के ड्राफ्टिंग को बहुत डिफरेंट बनाने वाले हैं, आपको प्रेजेंटेशन को अलग लेवल पे लेके जाने वाले हैं। पूरा कंपनी ऑडिट पढ़ते वक्त, पूरे कंपनी लॉ चैप्टर पढ़ते वक्त कितनी बार प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कितनी बार इन टर्म्स को आप यूज करते हो? बहुत बार यूज करते हो। नॉर्मली कैसे यूज कर देते हो? नॉर्मली फॉर एग्जांपल रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है 1% कंपनी को, तो एग्जाम में क्या लिख के आ जाओगे? द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इज नॉट एप्लीकेबल टू 1% कंपनी, कोमा स्मॉल कंपनी, है ना? जो कॉमन चीजें हैं उनको हमेशा अच्छा कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन डेफिनेशन की बात करें तो इनका आप सेक्शन नंबर्स याद करके रख लो, बहुत सिंपल है। प्राइवेट कंपनी जो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, पब्लिक कंपनी जो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 71 में, स्मॉल कंपनी जो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, डॉर्मेंट कंपनी जो सेक्शन 455 में कवर्ड है, ओपीसी 1% कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 62 में कवर्ड है, सब्सिडरी कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 87 में डिफाइंड है, एसोसिएट कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में कवर्ड है, गवर्नमेंट कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में कवर्ड है, फॉरेन कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 42 में कवर्ड है। पॉपुलरली ये सारे टर्म्स आप यूज करते हो, है ना? पूरे लॉ में यूज होता है ये, दिस आर द थिंग्स के पूरे लॉ में यूज होना है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, 1% कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, गवर्नमेंट, जॉइंट वेंचर, फॉरेन कंपनी, ये पूरे लॉ में यूज करते हो। अब आप सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वही रोटेशन वाला पॉइंट आया, आप एग्जाम में अगर ऐसा लिख के आओ तो द प्रोविजन पर्टेनिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इज नॉट एप्लीकेबल टू 1 स्मॉल कंपनीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट, 2 1% कंपनीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट। जहां भी अलग अलग रेफरेंस देखने को मिलता है, कहीं भी स्मॉल कंपनी वर्ड यूज किया, ब्रैकेट में लिख दिया डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85, तो दिस आर स्मॉल थिंग्स दैट इज गोइंग टू एनहांस द वैल्यू ऑफ योर आंसर, जिसके लिए आपको अलग से ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। पूरे लॉ के लिए कॉमन मेहनत करी, पूरे ऑडिट के लिए कॉमन मेहनत करी, आपके दिमाग में सेट है। ओआर एसआर का बात आएगा मैं स्टेप्स में लिखूंगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो मैं कट शॉर्ट कर दूंगा। डेफिनेशंस है तो ये कॉमन डेफिनेशंस है, इनका मैं रेफरेंस हर जगह लिख दूंगा। स्टार्टिंग ऑफ द आंसर सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर रेड विथ रूल से करूंगा। तो आप सोचो, आप ऑलरेडी मान के चलो कि आपका ऑडिट में 4 से 5 नंबर भर चुका है, लॉ में 4 से 5 नंबर भर चुका है। द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू राइट नाउ, ऑलरेडी यू कैन अज्यूम कि आपका इतने मार्क्स भर चुका है अगर आप एग्जाम में अच्छे से इंप्लीमेंट कर लो। इमेजिन एनी पेपर, काफी ऐसे आंसर्स होंगे जहां पर आप इन चीजों को यूज कर सकते हो, और शायद अगर आपने ये चीजें यूज कर ली होती तो आपके एग्जामिनर ने 4 में 4 दे दिया होता। क्लियर है? तो ये कुछ अपना कॉमन चीज है। मेरे को ना स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगता है, व्हेन आई स्टार्ट विद ए सेशन, तो मेरे को स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगता है, शुरू का 2-3 घंटा, क्योंकि काफी सारा बेस है जो मुझे आपको बताना रहता है। एक बार वी कम इन टू ए फ्लो, वी हैव टू कवर चैप्टर बाय चैप्टर, वो जल्दी हो जाएगा, बट जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसके अंदर ये काफी सारा बेस स्ट्रेच करना रहता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अब देखना, अगर हम लोग कंपनी ऑडिट की बात करें तो सेक्शंस कौन से हैं, चैप्टर नंबर कौन से हैं? मजा नहीं आया? 10। सेक्शंस कौन से कवर्ड हैं? 139 to 148, राइट? 139 to 148। मेरे सामने सेक्शन नंबर याद करना है नहीं करना है मत पूछना, बिकॉज ये सारा फिंगर टिप्स में याद हो जाता है अपने आप, इसमें कुछ मेहनत करना ही नहीं।
मैं सेशंस के बाद में भी आपको तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके को फॉलो कर लेना। सेक्शन नंबर्स याद हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं लिखने का ऑप्शन तो है ही ना एग्जाम में, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना रहे। तो अब देखो, अगर हम कंपनी ऑडिट की बात करें, सेक्शन 139 टू 148, इस चैप्टर में आई बिलीव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सेक्शन नंबर्स आता है। हो सकता है सब सेक्शन नंबर नहीं आता हो, बट इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सेक्शन नंबर आता है, तो मैं सेक्शन नंबर्स याद कराने में टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, बिकॉज नॉर्मली मैं याद करवाता हूँ, बट आई बिलीव कि कंपनी ऑडिट में हर किसी को सेक्शन नंबर आता है, सब सेक्शन याद करने में टाइम लगाऊंगा कहीं ना कहीं। तो अब देखना, सेक्शन 139 किसकी बात कर रहा है, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, तो हर आने वाले को जाना होता है, तो सेक्शन 140 में क्या हो गया, रिमूवल। वो रिमूवल क्यों हुआ, क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड था, तो 141 में क्या हो गया, डिस्क्वालिफाइड। अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, तो 139 में अपॉइंटमेंट, 132 में रिमूवल, 141 में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। अब तुम एलिजिबल हो, तुम अपॉइंटेड हो सकते हो, तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। जैसे ही तुम कंपनी में जाओगे, सबसे पहले तुम किस चीज की बात करोगे, पैसा क्या मिलेगा, रेमुनरेशन। तो 142 क्या है, रेमुनरेशन। अब जैसे ही तुम रेमुनरेशन मांगोगे, सामने वाले क्या करने वाले, तुम्हें सारी राइट्स एंड ड्यूटीज याद दिलाने वाले हैं। तो 143 क्या हो गया, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो 139 क्या है, 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, 142, 143। अब ड्यूटी करते 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 ड्यूटीज परफॉर्म करते 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 कुछ ऐसा हो गया कि ऑडिटर को एड्स हो गया। क्या हो गया, एड्स हो गया। तो एड्स इज समथिंग दैट शुड बी प्रोहिबिटेड, दैट शुड बी प्रोहिबिटेड। तो 144 में प्रोहिबिटेड सर्विसेज की लिस्ट दी हुई है, जिसको लर्न करने का फॉर्मूला भी है एड्स, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यानी आप ऑडिटर सचमुच जाने वाला है, तो जाने से पहले वो क्या सोच रहा है, लेट मी कंप्लीट माई पेंडिंग वर्क। उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, साइन। तो वो बोल रहा है रिपोर्ट साइन कर लेता हूँ, एक आखिरी बार मेंबर से जाकर मिल लेता हूँ, AGM अटेंड कर लेता हूँ। तो वहाँ फ्लो में चल रहा है, 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 145 साइनिंग द रिपोर्ट, 146 अटेंडिंग द AGM। AGM में, और अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा तो क्या लगेगा, पेनल्टी, और पेनल्टी में क्या इंकर करना होगा, कॉस्ट। तो 148 कॉस्ट ऑडिट। तो इस फ्लो में आप याद कर सकते हो, YouTube चैनल के अंदर अलग से कंपनी ऑडिट लर्निंग सेक्शन नंबर्स का वीडियो अवेलेबल है, जिसमें 12 मिनट मैंने सिर्फ सेक्शन नंबर्स याद कराने में लगाया है। तो आप उस वीडियो को अलग से देख सकते हो इफ यू फील द नीड, ठीक है, कंपनी ऑडिट लर्निंग सेक्शन नंबर्स। अब देखना, टॉकिंग अबाउट सेक्शन 139, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो देखना, सेक्शन 139 में ना कुल मिलाकर अपने को चार चीजें पढ़नी है, कुल मिलाकर सेक्शन 139 में अपने को चार चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में, दूसरा पढ़ना है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में, तीसरा पढ़ना है कैजुअल वैकेंसी के बारे में, और चौथा पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रीअपॉइंटमेंट के बारे में। तो 139 में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, अपॉइंटमेंट, रोटेशन, कैजुअल वैकेंसी, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। तो एक बार ऐसा रिपीट करोगे, 139 अपॉइंटमेंट, रोटेशन, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, कैजुअल वैकेंसी, अपॉइंटमेंट, रोटेशन, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, कैजुअल वैकेंसी। साथ साथ हर किसी को रिपीट करना है, अपॉइंटमेंट, रोटेशन, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, कैजुअल वैकेंसी, अपॉइंटमेंट, रोटेशन, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट एंड कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, अपॉइंटमेंट, रोटेशन, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट एंड कैजुअल वैकेंसी। अपॉइंटमेंट की अगर हम लोग बात करें पार्टिकुलरली, तो अपॉइंटमेंट के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, और दोनों ही केसेस में अपने को पढ़ना है फर्स्ट ऑडिटर्स, सबसिक्वेंट ऑडिटर्स। ठीक है, अब देखना, यहां पे सब सेक्शन नंबर्स याद करना बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं होगा, मैं खुद याद नहीं कराऊंगा। पूरे ऑडिट में कंपनी ऑडिट ऐसा चैप्टर है जहां पे सेक्शन नंबर्स का रेफरेंस आता है, तो यहां पे कोशिश करेंगे कि याद हो जाए, और इजिली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना, यहां पे आप खाली इतना याद रखो, सब सेक्शन 1 और 6 है नॉर्मल कंपनीज के लिए। क्या याद रखोगे, सब सेक्शन 1 और 6 है नॉर्मल कंपनीज के लिए, और सब सेक्शन 5 और 7 है गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। ठीक है, इतना याद रख लोगे, दिमाग में सेट कर लोगे, खाली नॉर्मल कंपनीज के लिए 1 और 6,
गवर्नमेंट कंपनीज के लिए 5 and 7। अब एक चीज याद रखना, जो पहला है वो पहला नहीं है, वो सब्सिक्वेंट है, और जो दूसरा है वो फर्स्ट है। तो अब बताओ सब सेक्शन 1 and 6 में फर्स्ट ऑडिटर्स का क्या होगा? 6। और सब सेक्शन 1 किसके लिए होगा? गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। सब सेक्शन 7 किस चीज के लिए होगा? सब सेक्शन 5 किसके लिए होगा? सबसिक्वेंट। ठीक है, नॉर्मल कंपनीज के लिए बस ये आपको फ्लो को दिमाग में 3 से 4 बार रिपीट करना है। एक बार रिपीट कर लिया तो याद हो जाएगा। नॉर्मल कंपनीज के लिए सबसेक्शन 1 6, गवर्नमेंट कंपनी के लिए 5 7, दूसरा वाला फर्स्ट है। बस इतना, बस इतना ही इंफॉर्मेशन। नॉर्मल कंपनी के लिए 1 6, गवर्नमेंट कंपनी के लिए 5 7, और दूसरा वाला फर्स्ट है। ठीक है, यह याद हो गया। अब आप खाली इतना याद रखो, रोटेशन के प्रोविजंस गवर्न है सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 4 तक। रोटेशन के प्रोविजंस कहां गवर्न है? 2 से 4 तक। एग्जाम में आपको स्पेसिफिक सबसेक्शन नंबर याद नहीं है, रोटेशन का क्वेश्चन आता है, आप लिख के आओ द प्रोविजंस गवर्निंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इज गवर्न इन सब 739 सबसेक्शन 2 to 4 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज गिविंग द एग्जाम, एक डीन नंबर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आया 2-3 नंबर का स्पेसिफिकली अलॉटमेंट ऑफ डीन के बारे में, जिसका मुझे एग्जैक्ट आंसर याद नहीं था, मेरे को थोड़ा बहुत ही याद था। हाउ आई स्टार्टेड विद द आंसर इन द एग्जाम, और मजे की बात है ने पेपर मंगाया था, आई गॉट फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, हाउ आई रोट द आंसर, द प्रोविजन पर्टेनिंग टू डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आर गवर्न इन सेक्शन 153, 154, 155, 156, 157, 158 and 159 ऑफ चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स। इन दिस क्वेश्चन वी आर इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज आस्क्ड विद रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ डीन एंड दिस इज द प्रोविजन एंड आई गॉट फुल मार्क्स। यू हैव गिवन समथिंग टू द एग्जामिनर कि उसको भी पढ़ के मजा आया वहां पे, एंड प्रैक्टिकली कितने भी गाइडलाइंस हो, अल्टीमेटली इफ यू गिव ए गुड फील टू द एग्जामिनर कि जब वो आंसर आपका रीड कर रहा है उसको मजा आ रहा है, तो वो आपको भी मजे दिलाएगा मार्क्स अच्छे दे के। ठीक है, तो इसमें सबसेक्शन 2 के अंदर रोटेशन है, 2+1 3 होता है, जॉइंट है ना, 2+1 3 जॉइंट। तो सबसेक्शन 3 में आप जॉइंट ऑडिटर्स की बात देखोगे और सबसेक्शन 4 में मैनर ऑफ रोटेशन देखोगे। और सबसेक्शन 8 में कैजुअल वैकेंसी की बात की गई है, एक ही सेक्शन है, एक ही सबसेक्शन है, खाली कैजुअल वैकेंसी का आपको उसको याद रखना है, बिकॉज अलग अलग सेक्शंस का कोरिलेशन होगा इसका। और सबसेक्शन 9 में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की बात की गई है। तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है। ठीक है, सिंपल है, याद रखना कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना है। तो अब देखना अपॉइंटमेंट का भी ना लॉजिक बड़ा सिंपल है। लेट मी टेल यू वन थिंग, इस बैच के अंदर जैसे आप में तो शायद सब लोग रिपीटर्स होंगे, इस बैच के अंदर जो हमने 4-5 दिन का सेशंस लिए हैं ना, उसमें ऐसे ऐसे बच्चे भी आए हैं जिसने कभी जीवन में ऑडिट लॉ को हाथ नहीं लगाया था एंड दे हैव आंसर्ड मी विदाउट सीइंग द बुक्स, सिर्फ अगर लॉजिक बाहर निकलवाओ तो। यहाँ पे उतना टाइम नहीं है। अब आप लॉजिकली एक चीज बताओ, कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। तो भाई कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स हैं तो ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का हक किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास है। कहाँ अपॉइंट करेंगे? जनरल मीटिंग में करेंगे। अब अपॉइंटमेंट तो यार ऑर्डिनरी चीज है, क्या पास होगा? एकदम क्लियर है, वो 4 स्टेप तो अपने आप बना के लिख दोगे, नोटिस ऑफ मीटिंग, कन्विन द जनरल मीटिंग, पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट द ड्यूली कन्विन जनरल मीटिंग एंड इंटीमेशन टू द आरओसी इनफॉर्म एडिटी 1 अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। 4 स्टेप्स आ गया। अब एक चीज बताओ, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, एजीएम तो दूर है ना, नॉर्मली तो अपॉइंटमेंट एजीएम में होना है, लेकिन कंपनी अभी अभी फॉर्म हुआ, एजीएम को तो टाइम है, एजीएम को टाइम है, तब तक कंपनी क्या विदाउट ऑडिटर्स रन कर सकती है? नो। तो अब कंपनी के बिहाफ में कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो टू अपॉइंट दी फर्स्ट ऑडिटर्स, अब वो जो पावर मेंबर्स के पास होना चाहिए था वो किसको कंफर कर दिया गया? और ये वर्ड दिमाग में कैच कर लो,
अब मैंने ये नहीं बोला गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉर्मल लेमैन इंग्लिश बात कर रहे होते आप लिखते गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नो, कन्फर्ड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द पावर टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर्स इज कन्फर्ड टू द बीओडी, है ना, इज कन्फर्ड टू द बीओडी. यही की वर्ड्स है, यही अच्छे वर्ड्स है, ठीक है. तो अब फर्स्ट ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा. अब एक चीज बताओ, अब याद करने का जरूरत ही नहीं है. आप बोलोगे लिमिट्स याद करने का होता है, लिमिट्स में भी काफी कुछ याद करने का नहीं होता. लॉ को याद करो और मुझे बताओ पहला बोर्ड मीटिंग कब हुआ था? विदिन 30 डेज. तो भाई बीओडी ऑडिटर्स को कहां अपॉइंट करेगा? बोर्ड मीटिंग में तो करेगा. तो फर्स्ट ऑडिटर को कितना दिन में अपॉइंट किया जाए? प्रोविजन बन गया. फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन सा सबसेक्शन में दिया हुआ है? 139 सबसेक्शन 6. कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कितने दिन में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. लेकिन अगर बीओडी ना कर पाए तो अल्टीमेटली जिसको आपने काम डेलीगेट किया है वो काम ना कर पाए तो आपको ही करना पड़ेगा. तो कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स. अब लॉ मेकर ने दिया हुआ, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर, विदिन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए. तो यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो 30 डेज खा चुके हैं, मेंबर्स के पास कितना टाइम बाकी है? 60 डेज. एकदम लॉजिकल है, यस. अब आप बताओ बीओडी ने किसको अपॉइंट किया? फर्स्ट ऑडिटर्स. लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, क्या बीओडी के पास पावर होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था. फॉर द टाइमिंग अपॉइंट किया है, यस. तो आपका नाम क्या है? प्रतीक. ओके, तो बीओडी ने प्रतीक को ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंट कर लिया विद इन 30 डेज. लेकिन अल्टीमेटली पावर तो मेंबर्स के पास होना चाहिए था. तो सोचो प्रतीक का टेन्योर कब तक वैलिड होगा? सिर्फ फर्स्ट एजीएम तक. जैसे ही फर्स्ट एजीएम में पहुंचे, सब सेक्शन 6 खत्म हो गया, सब सेक्शन 1 आ गया. सबसिक्वेंट ऑडिटर्स अब कौन अपॉइंट करेंगे? शेयर होल्डर्स. क्या पास करेंगे? OR. वो चार स्टेप लिख दोगे और वो चार स्टेप के बाद कुछ टाइम पास रूल में दिया हुआ है ऑडिटर का कंसेंट ले लेना. अरे भैया बिना कंसेंट लिए क्या उसके सर में बंदूक लेके थोड़ी ना ऑडिटर अपॉइंट करूंगा. वो भी बोल दिया रिटर्न कंसेंट ले लेना, रिटर्न कंसेंट ले लेना कि वो डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं है, ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन कंसिडर कर लेना क्योंकि ऑडिट कमेटी वहां अपॉइंटेड है लॉ के अंदर, राइट. और अब मेंबर्स ने अपॉइंट कर लिया, अब मेंबर्स ने एक बार के लिए फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर दिया. तो भाई मेंबर्स तो अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस भी अपॉइंट करते हैं ना, सीएम भी कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स. हर साल सीएम बदलते रहेंगे क्या? नहीं. एक सीएम को भी कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है? 5 साल. तो ऑडिटर्स को भी कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया? 5 साल. तो फर्स्ट ऑडिटर के कंक्लूजन में अपॉइंट किया गया, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन में. तो अब सोचो 5 साल का उसका टेन्योर है, तो उसका टेन्योर कब से कब तक वैलिड होगा? फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM. एकदम क्लियर है? सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है, सब सेक्शन 6 में क्या लिखा है, यस. लेकिन अब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ था, प्रतीक का अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम के ऑर्गेनाइजेशन में ना प्रतीक को किसी से प्यार हो गया, तेरे नाम के सलमान खान जैसे इसकी हालत हो गई, बंधन साउंड माइंड का हो गया. तो क्या हो गया? कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई. यानी क्या लग गया? 139.8 लग गया. तो क्या करना पड़ेगा? कैजुअल वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा. लेकिन प्रॉब्लम वापस से सेम, एजीएम में तो करना पड़ेगा लेकिन एजीएम तो दूर है ना. तो बोला बोर्ड रिकमेंड कर देगा, प्रतीक की जगह किसको अपॉइंट करना है? आपका नाम क्या है? आदित्य. प्रतीक की जगह आदित्य को अपॉइंट करना है, ऐसा रिकमेंडेशन बोर्ड दे देगा और 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग करवा लो, उसको अप्रूव करा लो, राइट. प्रतीक की जगह आदित्य का अपॉइंटमेंट होगा, ऐसा रिकमेंडेशन बोर्ड दे देगा और 3 महीने के अंदर क्या करा लो? जनरल मीटिंग करा लो, उसको अप्रूव करा लो. क्लियर है? ये सारा ना हमेशा कोरिलेशन से पढ़ना चाहिए. अब सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 6 हमने किसके साथ कोरिलेट करके पढ़ा है? सब सेक्शन 8 के साथ कोरिलेट करके पढ़ा है. फर्स्ट ऑडिटर सबसिक्वेंट ऑडिटर कोरिलेटेड विद सब सेक्शन 8. अब आते हैं गवर्नमेंट कंपनीज पे. अब गवर्नमेंट कंपनीज के केस में आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो, सीए इंटर से पढ़ते आ रहे हो, माई बाप कौन है? सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो चाहे यहां फर्स्ट ऑडिटर्स हो चाहे यहां सबसिक्वेंट ऑडिटर्स हो, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीएजी करेगा.
यहाँ पे हायरार्की चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द सीओजी, सीएजी के बाद आते हैं बीओडी और बीओडी के बाद आते हैं मेंबर्स। तो फर्स्ट ऑडिटर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है? सब सेक्शन 7 में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीएजी। बीओडी ने फर्स्ट ऑडिटर का जब अपॉइंटमेंट किया था कितने डेज में किया था? 30 डेज में किया था। और अब आप एक चीज मुझे बताओ, एक तरफ है नॉर्मल अथॉरिटी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बीओडी, दूसरी तरफ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सीएजी। टाइम सेम लगेगा क्या? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। तो 30 डेज की जगह 60 डेज। फिर भी सीएजी बिजी भाई साहब है, कोई गारंटी थोड़ी है सीएजी 60 डेज में भी अपॉइंट कर ले। अगर 60 डेज में भी अपॉइंट नहीं किया, अब सोचो मेंबर को हाथ क्यों नहीं लगा रहे? सोचो नॉर्मल कंपनी में मेंबर कौन थे? आप लोग, हम आम जनता। गवर्नमेंट कंपनी में मेंबर कौन है? सीजीएसजी। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को हर जगह परेशान करोगे क्या? नहीं। तो सीएजी ने अपॉइंट नहीं किया तो आप किसके पास जाएं? बीओडी। बीओडी का तो टाइम फिक्स है। अब बीओडी भी बेशरम निकली, बीओडी ने भी अपॉइंट नहीं किया, तब तो पाई नहीं है, मेंबर्स के पास जाना ही पड़ेगा, मेंबर्स के पास जाना ही पड़ेगा नेक्स्ट 60 डेज। तो टाइमलाइन क्या बन गया गवर्नमेंट कंपनी के केस में? सब सेक्शन 1 फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कितने डेज में? 60 डेज में। सीएजी ने नहीं किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने डेज में? 30 डेज में। अगर बीओडी ना करे तो मेंबर्स कितने डेज में? 60 डेज में। क्लियर है? अब सबसिक्वेंट की बात करें तो यहां सबसिक्वेंट में भी माई बाप कौन? कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी। कौन अपॉइंट करेगा? लेकिन सीएजी को टाइम ज्यादा चाहिए है ना, तो यहां पे क्या टाइम दिया हुआ है? विद इन 180 डेज। विद इन 180 डेज कब से दिया हुआ है? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कितना? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और यहां पे ईयर टू ईयर बेसिस है, यहां पे ईयर टू ईयर बेसिस है। विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यहां पे क्या है? अगेन ईयर टू ईयर बेसिस है। ठीक है, अब ये जो सीएजी है, सीएजी ने क्या एक्सरसाइज किया, कौन सा पावर एक्सरसाइज किया? पावर टू अपॉइंट दी फर्स्ट ऑडिटर्स, पावर टू अपॉइंट दी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। ये इसमें कितना सारा टाइम्स आ गया? 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज, 180 डेज। तो ये सारा टाइम आपका एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वो जब आपको एक इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो देगा तो उसके अंदर ये सारा टाइमलाइन अपना क्या हो गया? एमसीक्यूज के लिए इन पार्टिकुलर काफी इंपॉर्टेंट हो गया, और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखना यहां भी सेम सिचुएशन। अब सीएजी ने अपॉइंट किया, मान लीजिए लेट अस से, आपका नाम क्या है? ओशीन। तो सीएजी ने अपॉइंट किया ओशीन को एज द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, बट वहां पे भी क्या हो गया? जो ओशीन है वो प्यार में पड़ गई एंड अगेन वो अनसाउंड माइंड की हो गई, तो क्या अराइज हो गया? कैजुअल वैकेंसी। अब यहां कैजुअल वैकेंसी कौन फुलफिल करेगा? सीएजी। कि वापस से किस सेक्शन में आ गए? 139 सबसेक्शन 8 में आ गए। वापस से किस में आ गए? 139 सबसेक्शन 8 में आ गए। क्लियर है? अब जिन ऑडिटर्स को अपॉइंट किया गया है नॉर्मल कंपनीज के केस में या गवर्नमेंट कंपनीज के केस में या सीएजी, इन्हीं सबके पार्ट्स ड्यूटीज वगैरह कहां देखेंगे? सेक्शन 143 में देखेंगे। इन्हीं सबके पार्ट्स एंड ड्यूटीज सेक्शन 143 में देखेंगे। क्लियर है? तो अब आप अपने दिमाग में ना ये चीज सेट कर लो कि अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आए, मैं पहले क्या लिख के आता हूं, अब क्या लिख के आऊंगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते वक्त एक गलती करते हो, आप लोग सिर्फ पढ़ते रहते हो। वेन एवर यू स्टडी जस्ट अप्लाई ए लॉजिक टू योर ब्रेन कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया मैं क्या लिखने वाला हूं। एक बार अपने दिमाग से क्वेश्चन कर लो, मैं ऐसे लिखने वाला हूं, पहले 139 चैप्टर 10 रेड विथ रूल्स का कोरिलेशन दूंगा, उसके बाद में इस तरीके से स्टेप वाइज आंसर दूंगा, इस तरीके से मैं पैराग्राफ्स में स्ट्रक्चर करूंगा,
मैं पावर्ड कंफर्ट अंडर लॉ ये वाला स्टेटमेंट यूज करूंगा, मैं यहां पे एडिटिव वन का रेफरेंस दूंगा, एक बार उस चीज को अपने दिमाग में स्ट्रक्चर कर लो, इस चीज का इतना आपको बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बता नहीं सकता। हर सब्जेक्ट के अंदर हैबिट बना लो। यू आर स्टडिंग ए टॉपिक, क्वेश्चन आया तो क्या लिखूंगा, क्वेश्चन क्या आ सकता है, आया तो क्या लिखूंगा। बिना क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करते करते भी रिविजन के वक्त आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, प्रेजेंटेशन कार्ड आपके दिमाग में चलने लगेगा। ठीक है, तो अपन ने सबसेक्शन वन देख लिया, सबसेक्शन सिक्स देख लिया, सबसेक्शन फाइव देख लिया, सबसेक्शन सेवन देख लिया और सबसेक्शन एट भी देख लिया। ठीक है, अब एक बार जब डीम ट्री अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो हम फॉरगेट कर जाते हैं कि रोटेशन नाम का कुछ होता है, हम भूल जाते हैं कि रोटेशन बोल के कुछ है। ठीक है, अब नॉर्मली आप एक चीज बताओ, नॉर्मली आप एक चीज बताओ, दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो सीएम अपॉइंट किया, क्या सेम सीएम 5 साल के बाद दोबारा रीअपॉइंट हो गया? यस, सेम सीएम, वही पीएम की कहानी, वही सीएम की कहानी, सेम सीएम अपॉइंटेड 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के बाद वी रीअपॉइंटेड देम, हमने से रीअपॉइंट किया है ना। लेकिन यहां पे क्या डिम्ड रीअपॉइंटमेंट, अब मान लो लैडर से प्रतीक को हमने अपॉइंट किया ऑडिटर्स, 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया, तो लॉ कहता है हम ऐसा डीम कर लेंगे, डीम मतलब अज्यूम कर लेंगे, डीमिंग प्रोविजन लगा देंगे, हम ऐसा डीम कर लेंगे कि प्रतीक इज रीअपॉइंटेड एज ए ऑडिटर। अब लॉ की ना गंदी आदत है, पहले वो एक जनरल रूल दे देता है और फिर उसके एक्सेप्शंस क्रिएट कर देता है, पूरे लॉ में वही चीज चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट्स ए जनरल रूल एंड देन इट क्रिएट्स द एक्सेप्शंस, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन से ही आता है, वो कभी जनरल रूल से नहीं आता। तो सबसे पहले बोला प्रतीक का अपॉइंटमेंट हुआ, 5 साल के बाद उसका क्या कर लिया, डीम्ड अपॉइंटमेंट कर लिया। अब मैं कह रहा हूं कि आप मानो कि आपने कंपनी ऑडिट जिंदगी में पढ़ ही नहीं रखा है, फिर भी जो मैं क्वेश्चन के सवाल आपसे पूछूंगा ना, आप मुझे खुद उसका आंसर दे दोगे और प्रोविजन बन जाएगा। आप एक चीज बता दो, 5 साल का टर्म खत्म हो गया, प्रतीक रिटर्न में लिख के दे रहा है आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू एज ए ऑडिटर, तो क्या प्रतीक को रीअपॉइंट कर दोगे? नहीं करोगे। प्रतीक डिस्क्वालिफाइड हो गया, क्या प्रतीक को रीअपॉइंट कर लोगे? नहीं करोगे। अब देखो किसी को निकालने के ना दो रास्ते होते हैं, एक तो ये मैंने बोल दिया भाई प्रतीक 5 साल खत्म हो गया तू कल से मत आइयो, दूसरा मैंने प्रतीक को कुछ नहीं बोला, प्रतीक के सामने मैंने आदित्य का पॉइंट कर लिया, काम करना तू कल से आ जाना, तो अपने आप क्या हो गया, एम्प्लाइड क्या हो गया, प्रतीक इज नॉट रीअपॉइंटेड। लॉजिकल है, यही 3 बातें लॉ में एज एक्सेप्शन लिख दी कि डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा अगर रिटायरिंग ऑडिटर एक्सप्रेसली लिख के मना कर दे कि मैं अपॉइंट नहीं होना चाहता, अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाए या कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके किसी और को अपॉइंट कर दिया हो। क्लियर है? तो सेम चीज को क्या कर दिया लॉ मेकर ने, यहां पे पहले जनरल रूल के फॉर्म में फ्रेम कर दिया और फिर उसके सेट ऑफ रूल्स दे दिया, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, रिटायरिंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंटेड। अब देखो लॉ मेकर की मजे की बात, कितना सिंपल प्रोविजन, इसमें दिमाग लगाना था क्या? नहीं, लेकिन सीधा तरीके से लॉ मेकर करता थोड़ी ना है, जबरदस्ती लैंग्वेज को टेढ़ा कर दिया। अब सेम बात लॉ मेकर किस तरीके से कह रहा है, रिटायरिंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंटेड इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट, He has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be appointed, and special resolution has not been passed in that meeting appointing someone else as the auditor and expressly stating that he shall not be reappointed. तो सेम ही तो बात है, लेकिन लॉ मेकर ने क्या यूज किया यहां पर, नेगेटिव लैंग्वेज। और लॉ मेकर की आदत है कि वो क्या करता है, काफी बार नेगेटिव लैंग्वेज यूज करता है, लेकिन इसी नेगेटिव लैंग्वेज को अगर आप पॉजिटिव लैंग्वेज बना के समझो तो आपके लिए कहानी बहुत आसान हो गई। भाई से बंदे का 5 साल का टेन्योर खत्म हुआ, वो रीअपॉइंट हो जाएगा, लेकिन यार वो खुद बना कर रहा है, आना नहीं चाहता तो कैसे अपॉइंट होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो गया कैसे अपॉइंट होगा,
जब कंपनी ने उसके बदले आदित्य को अपॉइंट कर ही दिया है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर ही दिया है, तो कैसे अपॉइंट होगा? तुम सोचो कितना सिंपल है, इसको लेमैन की तरह लो, जितना टेक्निकल बनाओगे, दिस आर ऑलरेडी टेक्निकल सब्जेक्ट्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भाषा में बात करता हूँ, बिकॉज दिस आर ऑलरेडी टेक्निकल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे जितना टेक्निकल बनाओगे सब्जेक्ट, उतना टेक्निकल लगेगा, और जितना लेमैन लैंग्वेज में समझोगे, जितना रियलिस्टिक वे में समझोगे, जितना रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके समझोगे, उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। तो एकदम सिंपल है डिमरी अपॉइंटमेंट। तो अब क्या बच गया खाली सेक्शन के अंदर? रोटेशन। अब देखो रोटेशन लगेगा तो डिम रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लॉजिकल है। रोटेशन लगेगा तो डिम रीअपॉइंटमेंट लग ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको डिम रीअपॉइंटमेंट पढ़ाते वक्त बता दिया कि आप सोचना कि रोटेशन का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली रोटेशन सारी कंपनीज में तो लगता ही नहीं है ना, रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगता ही बिग कंपनीज में है। आज भी देश के अंदर ज्यादातर कंपनियां बड़ी हैं या छोटी? छोटी, तो उनके ऊपर तो डीम रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उनके ऑडिटर्स के ऊपर तो डीम रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उनके ऊपर तो वो कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा। अब सोचो, जस्ट इमेजिन, रोटेशन का क्वेश्चन आएगा, आपका प्रेजेंटेशन क्या रहेगा एग्जाम में? द प्रोविजन पर्टेनिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स हैज बीन गवर्न्ड इन 139 सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 4 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ कंपनीज ऑडिट ऑडिटर रूल्स एप्लीकेबिलिटी। अब आएगा एक एक करके एप्लीकेबिलिटी की, रोटेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो पूरे लॉ के अंदर जनरली लिस्टेड कंपनीज समथिंग, कि लिस्टेड कंपनीज के ऊपर तो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल ही है, क्योंकि वो लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मेंबर्स का पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है, सेबी वगैरह सब पीछे पड़े हुए हैं, तो भैया वहां तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होना ही होना है। तो पहला एप्लीकेबिलिटी में कौन आ गया? लिस्टेड कंपनीज। पहला नंबर हमेशा लिस्टेड कंपनीज का होता है, उसके बाद उन पब्लिक कंपनीज का होता है जो लिस्टेड नहीं है, फिर प्राइवेट कंपनीज का होता है, और फिर लास्ट में जाकर अगर स्मॉल कंपनीज वगैरह के ऊपर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करना हुआ तो लॉ मेकर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कर देगा, वरना नहीं करेगा। तो क्या बोला, कॉन्सेप्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनीज या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR और अबव है। कितना है? 10 CR और अबव है। अब प्राइवेट का लॉजिकली एक चीज बताओ, प्राइवेट कंपनी आ गई, लॉ मेकर किसको ज्यादा रिलैक्सेशन देगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को? प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि वो प्राइवेट है तो वहां लिमिट्स आर बाउंड टू इंक्रीज। यस, तो 10 CR की जगह क्या बोल दिया? 50 CR और अबव। तो अभी तक के प्रोविजंस क्या हो गए? एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 10 CR और अबव, या प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 50 CR और अबव, या बोला कोई भी कंपनी, पब्लिक हो प्राइवेट हो कोई भी, जिसका पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट 50 CR या ज्यादा है। कितना? 50 CR या ज्यादा। अब इस पॉइंट के अंदर एक चीज अच्छा देखना, कोई भी कंपनी, इसमें पब्लिक प्राइवेट तो स्पेसिफाई किया नहीं है, मतलब कोई भी कंपनी, पब्लिक प्राइवेट, हैविंग बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट, बट प्रैक्टिकली कैन ए प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट? नो, सिर्फ पब्लिक कंपनी से पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है। तो वो चीज आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा कि भले ही यहां पे कंपनीज दी है, बट अगर यहां पे प्राइवेट कंपनी हुआ तो पब्लिक डिपॉजिट इक्वेशन से बाहर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आप गलती कर दोगे, उसने बोला एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने इतना इतना बोरोइंग्स लिया है और इतना पब्लिक डिपॉजिट लिया है, आप कैलकुलेशन करके लिख के आओगे कि हाँ भैया ठीक है, 50 CR और क्रॉस हो गया और रोटेशन एप्लीकेबल है, जबकि आपको लिख के आना चाहिए था कि प्राइवेट कंपनी इज नॉट सपोज टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, राइट? या प्राइवेट बोरोइंग्स ले सकते हैं वो लोग, यहाँ पे पब्लिक वर्ड यूज नहीं होगा, इट विल बी ओनली बोरोइंग्स, यहाँ पे पब्लिक वर्ड यूज नहीं होगा, सिर्फ बोरोइंग्स रहेगा, बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है? तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट कंपनीज क्या नहीं कर सकती, डिपॉजिट ले ही नहीं सकती, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एट ऑल, पब्लिक कंपनीज ले सकती है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है कि इन तीन एंटिटीज को इंक्लूड किया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट्स। एक प्राइवेट कंपनी है जो विजय माल्या जी से 60 CR का लोन ले रही है,
एक प्राइवेट कंपनी है जो विजय माल्या जी से 60 सीआर का लोन ले रही है, बट उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 सीआर से कम है, बताओ रोटेशन एप्लीकेबल है क्या? नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज बोरिंग किसका लेना है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स। और यहां पे हमने लोन किससे लिया? विजय माल्या जो कि एक इंडिविजुअल है। मुकेश अंबानी से लोन लिया, रोटेशन से मतलब नहीं है। रिलायंस से लोन लिया, तब मतलब है। अब एग्जाम में आप लिख के आओगे, सपोज वो नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में पूछता है, सपोज आपसे नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, आप लिख के आओगे द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू, एक बच्चा लिख के आएगा 1% कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज, इनके ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप कैसे लिख के आओगे? The concept of rotation of auditors is not applicable to the following companies. Point number one, 1% companies as defined under section 2 clause 62 of Companies Act 2013. Dusra, small companies as defined under section 2 clause 85 of Companies Act 2013. Clear hai? So that is how you are going to write. Agar rotation ka concept applicable hai, अगर रोटेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, सो इन दैट सिचुएशन अगेन बोला गया है कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीओपी ले रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रखा है, सारे प्रोविजंस को मैं सर रीड करके पढ़ो। जब एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हो रही है, यानी ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 141, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141, ही फॉल्स इन द डेफिनेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, वो सारी दिमाग के साथ में चलनी चाहिए वो सारी बातें। तो अगर एक इंडिविजुअल है तो बोला गया रोटेशन के तहत उसका टर्म क्या होगा? वन टर्म। एक टर्म का मतलब है 5 consecutive years। मतलब अगर आदित्य अपॉइंट हो गया एज ऑडिटर, जो अपना सॉल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन अगर वो किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट लेता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक टर्म काम कर सकता है, 5 consecutive years तक काम कर सकता है। 5 consecutive years के बाद उसको 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा। 5 consecutive years के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा। 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। और अगर वो एक फर्म है, तो फर्म के केस में क्या होता है? ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के रोटेशन के चांसेस होते हैं, इंडिपेंडेंस इंक्रीज हो जाता है, तो बोला गया 2 टर्म, 10 consecutive years, और फिर क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स का ब्रेक। अब हमारे जो सीएस स्टूडेंट्स है, प्रतीक ने बोला सर 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 दोबारा बताना क्या बोला आपने, 5 continuous years। ओके, अब प्रतीक ने बोला कि यू नो 5 consecutive years, अब मैं मजा लेता हूं, रुको, राइट, 5 consecutive years, प्रतीक ने बोला अब मैं मजा लेता हूं, मैं 3 साल काम करूंगा, 1 साल का ब्रेक ले लेता हूं बीच में। अब प्रतीक बोल रहा है 5 consecutive year तो काम किया ही नहीं, 3 साल ऑडिट किया, 1 साल का ब्रेक लिया, 3 साल ऑडिट किया, 1 साल का ब्रेक लिया, तो 5 consecutive years तो हुआ ही नहीं, यानी 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड तो मेरे ऊपर लगेगा ही नहीं। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? लॉ मेकर बोल रहा है कि हम तुमसे ज्यादा शान हैं। लॉ मेकर ने यहां पे क्लैरिफाई कर दिया, बोला एनी ब्रेक फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन विल बी रिगार्डेड एज अ ब्रेक ओनली इफ टेकन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और मोर। क्या बोल दिया? एनी ब्रेक विल बी रिगार्डेड एज अ ब्रेक ओनली इफ टेकन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और मोर। तो यहां पे ये बदमाशी खत्म कर दी। अब ब्रेक खत्म हो गया, मान लीजिए फर्म है, 2 टर्म 5 consecutive years का खत्म हो गया, अब क्या स्टार्ट हो रहा है? कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड कितने टाइम का है? 5 ईयर्स। अब आप मुझे बताना, कूलिंग ऑफ पीरियड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है लॉ मेकर का? तो अब ये जो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जो मुझे बता रहे हो ना, ये आप एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो। जो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बातें बता रहे हो, आप एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो। कूलिंग ऑफ पीरियड के ऊपर क्वेश्चन आया, आप लिख के आ सकते हो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड इज टू एनहांस द इंडिपेंडेंस ऑफ द सीए फर्म सी ऑडिटर्स। एक लाइन लिख के आ सकते हो, दैट विल ऑलवेज गिव योर आंसर ए बेटर व्यू। अब प्रतीक ने सोचा एक काम करता हूं, बोले एक काम करते हैं यार, मान लो प्रतीक और आदित्य ने एक सीए फर्म बना लिया था, और इनके ही सीए फर्म क्या कर रही थी? ऑडिट कर रही थी। अब जो आदित्य है ना, वो किसी और फर्म में भी पार्टनर है, तो अगर आदित्य किसी और फर्म में भी पार्टनर है, यानी आदित्य उस फर्म को कंट्रोल कर रहा है, उस फर्म को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बोले एक काम करते हैं भाई, ये 10 साल खत्म होगा, 5 साल कूलिंग ऑफ स्टार्ट होगा, तो तेरा जो दूसरा फर्म है ना जिसमें तू पार्टनर है, उसको ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, उसको ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं जिसमें तू पार्टनर है। तो इससे क्या हो गया, रोटेशन का पर्पज डिफीट हो गया। इससे क्या हो गया, रोटेशन का पर्पज डिफीट हो गया। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, या फिर इन्होंने बोला एक काम करते हैं, तीन चार सिस्टर कंसर्न क्रिएट करके रखते हैं, तो जब कूलिंग ऑफ आएगा तो सिस्टर कंसर्न से ऑडिट करा लेंगे, जो हमारी नेटवर्क पे काम कर रहा होगा, हमारी ब्रांड नेटवर्क पे, ब्रांड नेम पे काम कर रहा होगा, या हमारे ही नेटवर्क को बिलोंग कर रहा होगा, कॉमन नेटवर्क के अंदर तीन चार सीए फर्म्स हैं, अपने नेटवर्क के फर्म से ऑडिट करा लेंगे। तो इससे क्या होगा, रोटेशन का वापस रिफिट हो जाएगा। तो लॉ मेकर ने क्या बोल दिया कि जो इनकमिंग ऑडिटर आएगा कूलिंग ऑफ पीरियड में, जो इनकमिंग ऑडिटर आएगा कूलिंग ऑफ पीरियड में, वो कॉमन नेटवर्क को बिलोंग नहीं करने चाहिए, उनमें कॉमन पार्टनर्स नहीं होना चाहिए, एक भी कॉमन पार्टनर तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, राइट। तो ये रेस्ट्रिक्शन लॉ मेकर ने इंसर्ट कर दिया। अब देखना इसके ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया, अभी आई थिंक 2-2.5 साल पहले क्वेश्चन आया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। अब उस क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा कि मान लीजिए लैड से 20 मार्च 2018 को कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है, कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो मान लीजिए लेट अस एबीसी के जगह डीईएफ अपॉइंट हो गए, पहले एबीसी ऑडिट करता था, एक सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ नाम लिया मैंने, पहले एबीसी ऑडिट करता था, आप कौन अपॉइंट कर रहे हैं, डीईएफ अपॉइंट कर रहे हैं। अब जब डीईएफ अपॉइंट हुआ, डीईएफ जब अपॉइंट हुआ, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कोई कॉमन पार्टनर नहीं था, क्या नहीं था, कोई कॉमन पार्टनर नहीं था, कोई कॉमन सिस्टर कंसर्न नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन 3 महीने के बाद एबीसी के एक पार्टनर डीईएफ में आ गया, 3 महीने के बाद एबीसी के एक पार्टनर के आ गया, डीईएफ में आ गया। तो बताओ भाई, आ सकता है या नहीं आ सकता है? अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, फैक्चुअल चीज बता रहा हूं, आज आप बता रहे हो आ सकता है, द रीजन बीइंग क्योंकि उस अटेम्प्ट के बाद सारे टीचर्स ने पूरे देश भर पे इन वर्ड्स पे इंफोसिस कराना शुरू कर दिया, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जब उस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया, 90% स्टूडेंट्स ने आंसर गलत लिखा, सब ने यह लिखा कि अपॉइंटमेंट गलत है एंड वहां पे ऑडिटर्स को वैकेट कर देना चाहिए, बिकॉज इन वर्ड्स पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और शेयर कर रहा हूं, मैं हमेशा लॉ पढ़ाते वक्त एक चीज कहता हूं, और काफी ऐसे मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वही प्रिंसिपल फॉलो किया था और उनको फुल मार्क्स मिले थे, नॉट ऑल बट दोज हु फॉलोड दैट प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कि कभी भी आपको ऐसा लगता है ना, एक देखो, एक होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एक होता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है भैया दिमाग को साइड रखो, जो लिखा है उसको वैसे रीड करो, वैसे इंटरप्रेट करो, और लॉजिकल मतलब होता है दिमाग लगाओ कि कहीं ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ डिफिट तो नहीं हो रहा। अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अपन लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात करें, तो बोला गया ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, बाद में आए जाए अपने को मतलब नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसा अगर किया जाए तो इसे पर्पज ऑफ लॉ डिफिट हो रहा है? यस, इंडिपेंडेंस तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, गाइडेंस नोट ऑन ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस भी कहता है, आईसीआई भी कहता है कि ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर डाउट है ना, आप दोनों इंटरप्रिटेशन लिखकर आ जाओ, लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के हिसाब से ऐसा आंसर है, लॉजिकल के हिसाब से ऐसा आंसर है, अगर डाउट है तो, अगर दोनों व्यूज आपको पता है तो। अगर आप सिर्फ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लिख के आओगे, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप सिर्फ लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लिख के आओगे, आपको 4 में 4 भी मिल सकता है, 4 में 2 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द थिंकिंग ऑफ द एग्जामिनर, राइट। लेकिन अगर आप दोनों लिख के आओगे, दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन, 4 में 4 मिलना तो कंफर्म्ड है। इनफैक्ट आप जब उस पेपर का सजेस्टेड देखोगे, जब सजेस्टेड आया, आईसीआई ने वह आंसर दोनों व्यूज के हिसाब से लिखा हुआ है। व्यू 1 लैंग्वेज ऑफ लॉ में ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बोला है, तो उस हिसाब से कुछ गलत नहीं है। व्यू 2 उससे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस खराब हो रही है, अकॉर्डिंगली उसको वहां पे अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, वैकेशन होना चाहिए था। क्लियर है? कौन सा, क्या चीज बाद में राइज हुआ था? नहीं, फर्म तो अपॉइंट हो ही गया ना, फर्म तो इमीडिएटली अपॉइंट हो गया,
पहले कॉमन पार्टनर नहीं था, 3 साल के बाद, 3 महीने के बाद एक जो पहला फर्म का पार्टनर था वो शिफ्ट हो गया, उस फर्म में आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि अब जो नया फर्म है उसके अपॉइंटमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर उसको ऑफिस वैकेट कर देना चाहिए। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। लिटरल के हिसाब से देखेंगे तो ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, चलेगा, बट लॉजिकल के हिसाब से देखेंगे तो नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के कॉन्सेप्ट में। तो मेनली सेक्शन 139 के अंदर आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो अब देखना प्रेजेंटेशन, आई बिलीव प्रेजेंटेशन थोड़ा दिमाग में सेट हुआ, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। कॉन्सेप्ट्स के अंदर वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है एक एक पॉइंट कवर ना हो हर जगह, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट वी आर ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज रेलिवेंट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अब देखना सेक्शन 140 जो अगला सेक्शन है, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। तो यहाँ पे ना कुल मिलाकर 5 ही सब सेक्शन है। देखो असली गेम तो सेक्शन 139 143 है, इनमें सब सेक्शन याद कर लिया तो बाकी में तो कुछ है ही नहीं। अब सेक्शन 140 5 सेक्शन है। सबसे पहला सब सेक्शन ये ऑडिटर्स को निकाल दिया और टर्म से पहले निकाल दिया। सब सेक्शन 2 और 3 रेजिग्नेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? रेजिग्नेशन की बात करता है। सब सेक्शन 2 में ऑडिटर कहता है मैं रिजाइन कर रहा हूं। क्या कहता है? रिजाइन कर रहा हूं। लॉ मेकर कहता है अच्छी बात है, रिजाइन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन भैया ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जब मन उठाया उठ के चले गए। इंटीमेट द BOD, इंटीमेट द ROC, और नहीं करोगे तो सब सेक्शन 3 में दिया हुआ पेनल्टी। तो सब सेक्शन 2 और 3 तो रेजिग्नेशन की बात कर रहा है। सब सेक्शन 4 में भी रिमूवल है, लेकिन सब सेक्शन 4 में रिमूवल दिया हुआ बाय वे ऑफ स्पेशल नोटिस। सब सेक्शन 4 में रिमूवल दिया हुआ बाय स्पेशल नोटिस। वहां AGM में रिमूवल हो रहा है, वहां AGM में रिमूवल हो रहा है, जबकि सब सेक्शन 1 में क्या हो रहा है? टर्म खत्म होने से पहले रिमूव किया जा रहा है। उसके बाद आता है सब सेक्शन 5, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। क्या पढ़ते हैं? रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। तो 5 ही सब सेक्शन है। अब देखना आप मुझे बताना एकदम लॉजिकल सी चीज, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स बिफोर बोर्ड मीटिंग। भाई पहला प्रस्ताव कौन पास करेगा रिमूवल का? बोर्ड। क्या पास कर, कहां पास करेगा? बोर्ड मीटिंग में। 3 स्टेप क्या होंगे बताओ? कन्वीन ए बोर्ड मीटिंग, सेंड द नोटिस। अब सेक्शन कौन सा लग जाएगा? 173, सेंड द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग टू द डायरेक्टर्स। स्टेप 3, पास ए बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर द ड्यूली कन्वीन बोर्ड मीटिंग। अब ऑडिटर को टर्म से पहले निकाला, कुछ गड़बड़ लग रहा है? यस। तो OR पास होगा कि SR पास होगा? SR पास होगा, बट एट द सेम टाइम ऑडिटर को टर्म से निकाला, फ्रॉड के चांसेस लग रहे हैं। तो यहां पे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, CG को भी अप्रूवल चाहिए। तो यहां पे ना 3 रिक्वायरमेंट है, एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है, दूसरा बोला स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, और तीसरा बोला CG अप्रूवल। अब आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आप लॉजिकल वे में बताना, पहले बोर्ड रिजोल्यूशन होगा इतना तो क्लियर है, सेकेंड रिक्वायरमेंट में पहले CG अप्रूवल ले लें या पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दें? अब सोचो पहले अगर SR लोगे, मीटिंग बुलाओगे, सारे मेंबर्स का रिजोल्यूशन पास करोगे, फिर CG के पास एप्लीकेशन दिया, CG ने रिजेक्ट कर दिया, तो आइडल क्या होगा? पहले CG का अप्रूवल ले लो, उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दो। अब देखना पूरे लॉ के अंदर एक कॉमन चीज है, पूरे लॉ के अंदर, पूरे ऑडिट के अंदर एक कॉमन चीज है। भाई आप जब भी किसी को रिमूव कर रहे हो ना, किसी पोस्ट से, किसी कुर्सी से, या कुछ भी गलत कर रहे हो किसी के साथ, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। अब बताओ, आप ये वर्ड बताना मुझे, अब मजे की बात, अब ये वर्ड बताना मुझे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये जो शब्द है ये ऑडिट लॉ में तो देखते ही देखते हो, बट ऑडिट लॉ से भी ज्यादा डीटी आईडीटी में देखते हो? यस यस, ऑडिट लॉ से भी ज्यादा कहां देखते हो? डीटी आईडीटी में देखते हो। अब सोचो ये शब्द कितनी बार यूज होता है। अब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का ना एक लैटिन एक्सप्रेशन है, प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम। अब देखना ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसका इंप्लीकेशन ऑडिट लॉ डीटी आईडीटी हर पेपर में देखने को मिलता है। तो इसके लिए अगर हम ये लैटिन एक्सप्रेशन याद रख लें,
प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम, तो कितना अच्छा रहेगा एग्जाम में जब लिख के आओगे प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम मस्ट बी फॉलोड, लेकिन ब्रैकेट में रिमूवल, ब्रैकेट में अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड लिखना मत भूलना, ब्रैकेट में अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड लिखना मत भूलना। और एक चीज और बता दूं, ये चीजें मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, प्रेजेंटेशन कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, आई हैव टेकन फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ आईसीआई। आईसीआई एक चीज को लिखने के 5 जगह अलग अलग तरीके यूज करता है, मैंने सिंपल सा ये देखा कि बेस्ट तरीका कहां यूज किया हुआ है, और अगर ये तरीका यहां यूज किया हुआ है तो इसको हम लोग करस्पॉन्डिंगली यहां भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप आईसीआई का स्टडी मैट देख लो, मैंने इसी पार्टिकुलर पॉइंट से ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑडिट लॉ में डेवलप किया, मैंने आईसीआई का स्टडी मैट गो थ्रू किया एज अ स्टूडेंट, जब मैंने गो थ्रू किया था तो मैंने देखा कि यार रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स में तो 3 लाइन में खत्म कर देता था एग्जाम में 4 लाइन में, आईसीआई ने उसे 9 स्टेप्स में लिख रखा है। स्टेप 1 बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो, स्टेप 2 मीटिंग दो, स्टेप 3 बोर्ड रिजोल्यूशन, स्टेप 4 एप्लीकेशन टू सीजी, फिर सीजी का एप्लीकेशन अप्रूवल आएगा, फिर एसआर पास करेंगे, एसआर का नोटिस दो, फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, फिर उसके बाद आरओसी को इंटीमेट करो, एंड बिफोर रिमूवल फॉलो ऑडियो ऑल्टर प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उन्होंने लिख रखा था साथ में ऑडियो ऑल्टर पार्टम। मैंने बोला भाई ये तो कमाल की चीज है, मेरे दिमाग में तो कभी आया ही नहीं कि इस सिंपल से पॉइंट को 9 स्टेप में डिवाइस किया जा सकता है। मैंने बोला लॉ में तो जगह जगह बोर्ड रिजोल्यूशन आता है, जगह जगह ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आता है, ये तो हर जगह लॉ में हो सकता है, हर जगह ऑडिट में हो सकता है, पिकअप कर लिया वहां से। फिर जब मैंने आईडीटी का स्टडी मटेरियल देखा तो उसमें 5-6 जगह अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड था, जिसमें एक जगह इंस्टीट्यूट ने ऑडियो ऑर्डर पैटर्न लिखा हुआ था, तो मैंने बोला ये तो हर जगह यूज कर सकते हैं, यूज कर लिया वहां पे, राइट? तो वो पूरे सब्जेक्ट के लिए डेवलप हो गया। तो आप सोचो आपका आंसर कितना स्पेशल हो जाएगा, और उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब एग्जामिनर 2 बच्चों का पेपर चेक कर रहा है, एक ने नॉर्मली लिख दिया बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड टू सीजी, अप्रूवल विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीजी, पास स्पेशल रिजोल्यूशन, और दूसरा बच्चा जिसने इस तरीके से 9 स्टेप में आंसर लिखा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को ऑडियो ऑल्टरम पार्टम यूज किया है, और अगर फॉर्म नंबर याद है तो बकायदा फॉर्म नंबर लिखा है कि रिमूवल का एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को 82 में जाना है, तो आप सोच के देखो कि आपके आंसर का लेवल क्या होगा, आप कहां टच कर रहे हो। क्लियर है? तो अकॉर्डिंगली रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से ड्राफ्ट करना है। ये रिवीजन के लिए है, प्रोसीजर फॉर रिमूवल एंड दिस, बट आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे एग्जाम में कैसे लिखना है, मेरे को 9 स्टेप्स में आंसर लिखना है। क्लियर है? अब 140 सबसेक्शन 2, अब ये पार्ट एक एडिशनल याद रख लेना, एप्लीकेशन सीजी को जाएगा 82 में, और कितने डेज में जाएगा, 30 डेज ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन में, लेकिन सीजी कितने टाइम में अप्रूव करेगा ये लॉ मेकर ने नहीं बताया, बिकॉज उसको पता है कि सीजी का कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन कितने दिनों में देना है ये बताया, फिर बोला कि जब सीजी का अप्रूवल आ जाएगा तो आप 60 डेज में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा देना। अब देखिएगा, इनफैक्ट जब मैं कहता हूं फाइल टू आरओसी, आपको पता है वो कॉन्सेप्ट कहां से आया, याद करो अपना सीए इंटर, सीए इंटर में था सेक्शन 117, जिसमें बोला गया था फाइल कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रिजोल्यूशन टू द आरओसी। तो आप सोचो कि वो जो सेक्शन 117 का इंप्लीकेशन है, मैं लॉ के हर उस सेक्शन में नहीं लगा सकता जहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन की बात हो रही है, कि फाइल कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन टू द आरओसी, ठीक है? उसके बाद 140 सब सेक्शन 2, जहां पे बोला ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, अब चार ही फॉर्म है इस चैप्टर में तो आराम से याद हो जाता है, 81, 2, 3, 4, 1 वाज अपॉइंटमेंट के वक्त, 2 वाज रिमूवल के वक्त सीजी को एप्लीकेशन देना है, 3 इज जब ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, और 4 में वो फ्रॉड रिपोर्टिंग का है। तो फॉर्म 83 में रिपोर्टिंग जाएगा, 30 डेज में रीजन बताना होगा। अब देखना यहां पे ना 140 सब सेक्शन 3 आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 140 सबसेक्शन 3 का पेनल्टी मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पे रिसेंटली 2 सालों के अंदर 2 बार चेंजेस आया। पेनल्टी कितना लगेगा अगर ऑडिटर आरओसी को इंटीमेट ना करे अबाउट द रेजिग्नेशन, तो ये पेनल्टी आपको याद रखना है, मिनिमम 50,000 रुपीज, कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 500 रुपीज एवरी डे, यहां पे मार्क्स कर लेना वर्ड आफ्टर द फर्स्ट, आफ्टर द फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे इस बार का ही आरटीपी का क्वेश्चन में इसका इंप्लीकेशन देखने को मिला है, जो आपका नवंबर 21 का आरटीपी है, कि वहां पे 26 डेज का डिफॉल्ट है, तो आफ्टर डिफॉल्ट, आफ्टर द फर्स्ट का मतलब हो गया कि फर्स्ट डे का डिफॉल्ट का पेनल्टी काउंट नहीं होगा 500 रुपीज, तो 26 डेज का डिफॉल्ट है तो पेनल्टी 500 रुपए कितने में मल्टीप्लाई होगा, 25 डेज में, बट मैक्सिमम पेनल्टी कितना लग सकता है,
2 लाख रुपीस। पहले ये 5 लाख था, अब ये 2 लाख हो गया है। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 140 सबसेक्शन 3, दैट इज पेनल्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटीमेशन अबाउट द रेजिग्नेशन। तो पेनल्टी कितना लगेगा, रिपीट करना। मिनिमम कितना, मजा नहीं आ रहा, 50,000 पर डे, 500 मैक्सिमम, मिनिमम पर डे, मैक्सिमम मिनिमम पर डे, मैक्सिमम। अब 140 सबसेक्शन 7 स्पेशल नोटिस। अब देखो, अगर नॉर्मल वीडियो होता, नॉर्मल वीडियो होता तो स्पेशल नोटिस में आपको टाइम लगा के पढ़ाता, लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, आपके अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए मैं कहूंगा कि ये सबसेक्शन उतना रेलिवेंट नहीं है, उतना काम का नहीं है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 में एक मेजर अमेंडमेंट है, तो चांसेस हैं कि अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो मोस्ट लाइकली वो उस पेनल्टी को टेस्ट करके पूछेगा। तो इसलिए 140 सबसेक्शन 4 वाला जो पोर्शन है वो एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 मिनट में आपको इसको ब्रीफ दे रहा हूं मैं। आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन इट, जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ। अब देखिएगा, स्पेशल नोटिस का ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 115 में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है, 115 में दिया हुआ है। सी एंटर का कॉन्सेप्ट है। एक चीज याद रख लीजिएगा कि अगर कॉन्सेप्ट स्पेशल नोटिस के द्वारा ऑडिटर के रिमूवल का आता है तो आपको 140 सबसेक्शन 4 के साथ साथ सेक्शन 115 भी रेफर करना है। सेक्शन 144 के साथ साथ क्या करना है, सेक्शन 115 को भी रेफर करना है। तो इसमें खाली इतना बोला गया था कि अगर एक मेंबर है जिसके पास 1% ऑफ वोटिंग राइट है या फिर 5 लाख रुपीज पेड ऑफ शेयर कैपिटल है, एदर ए सिंगल मेंबर और ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स टुगेदर, दे वांट टू गेट द करंट पर्सन रिमूव्ड एज ए ऑडिटर एंड अपॉइंट समवन एल्स। तो ये मेंबर्स क्या करेंगे, एक नोटिस देंगे कंपनी को फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। और क्योंकि ये नोटिस इतना स्पेशल नेचर का है, इसीलिए इस नोटिस को क्या नाम दिया, स्पेशल नोटिस। ठीक है, अब ये स्पेशल नोटिस कंपनी किसको देगा, ये स्पेशल नोटिस का कॉपी जाएगा ऑडिटर्स को। किसको जाएगा, ऑडिटर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली निकालना किसको है, ऑडिटर को निकालना है। अब भैया मेंबर ने सपोज मान लीजिए लेट अस से, आपका नाम क्या है, लव, तो अब लव नाम में लव है बट एक्चुअल में कोई लव नहीं है, उसको प्रतीक से बिल्कुल प्यार नहीं है, प्रतीक को निकालने के लिए उसने स्पेशल नोटिस भेज दिया कि भाई मैं प्रतीक को निकालना चाहता हूं। अब क्या प्रतीक को सीधा निकाल दें या एक रिप्रेजेंटेशन का राइट मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन का राइट मिलना चाहिए। तो यहां पर ऑडिटर के पास होगा राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्या होगा, अब ऑडिटर के पास एक राइट होगा कि एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो क्या करे, सर्कुलेट टू द मेंबर्स, क्या करे, सर्कुलेट टू द मेंबर्स। अब यहां पे ना एक अमेंडमेंट आया है प्रोफेशनल एथिक्स का, मैं आपको साथ साथ बता दे रहा हूं। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर एक अमेंडमेंट आया है कि क्लॉज 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, जहां पे ऑडिटर को इन्फॉर्म करना होता है, इंश्योर करना होता है अबाउट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139, 140, 141, तो वहां पे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस इशू करे हैं जिसमें लिखा है कि ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को सर्कुलेट किया जा रहा था, ये आईसीआई को भी सर्कुलेट करना है, ऑल्सो टू बी सर्कुलेटेड टू आईसीआई। लेकिन ऐसा कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा, ऐसा एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने अपनी गाइडलाइंस में इशू करा है, मैं आपको साथ में बता दे रहा हूं। ठीक है, इसी ये इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये सेक्शन कराया आपको कि साथ में आप को रिलेट करके पढ़ पाओ। और अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए टाइम सफिशिएंट नहीं है, तो बोला गया है राइट ऑफ ओरल रिप्रेजेंटेशन इन जनरल मीटिंग। और प्रेजेंटेशन का मतलब हैंडराइटिंग नहीं होता, ये तो आप मेरी हैंडराइटिंग देखकर समझ चुके हो गए, वरना अभी तक मैं एग्जाम में कभी पास नहीं होता।
अब इसमें एक पॉइंट और है जो आपका कोड ऑफ एथिक्स से काफी रेलिवेंस रखता है कि जब ऑडिटर यहाँ पे ऑडिटर ऑरल रिप्रेजेंटेशन देगा जनरल मीटिंग में, वो ऐसा नहीं कर सकता कि फॉर एग्जाम्पल प्रतीक को ना जनरल मीटिंग में खड़ा होने का राइट मिल गया कि भाई तो अपने आप को रिप्रेजेंट दे, अपने आप को बचा, तो अब यहाँ पे प्रतीक क्या कर रहा है, अपने आप को ना एकदम हाईलाइट कर रहा है, मैं इतना पुराना ऑडिटर हूँ, हमारी फर्म इतनी पुरानी है, हम 15 साल तक फलाना फलाना क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, वी आर द बेस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, ये वो, बट ठीक है कंपनी में से कुछ लोगों को हमारा काम पसंद नहीं आया बिकॉज दे वर नॉट लाइकिंग कि हम कंपनी के एडवर्स फाइंडिंग्स को के बारे में बता रहे हैं और इसलिए मुझे निकाला जा रहा है, तो वहां पर प्रतीक क्या कर रहा है, सॉलिसिटेशन कर रहा है, तो वहां पे ऑरल रिप्रेजेंटेशन देते हुए अगर प्रतीक क्या कर रहा है, अनडिजायरेबल पब्लिसिटी कर रहा है अपनी, तो ही इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ क्लॉज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1। तो यहां पे ना सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 वैसे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस क्लॉज में ऐसा दो सिचुएशन है जिसका रेफरेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के साथ आपको देखने को मिलता है, जो आपके दिमाग में जल्दी से ट्रिगर नहीं होगा, इसलिए मैंने ये चीज कराई है क्योंकि भैया इसको ट्रिगर करके रखना कभी भी काम आ सकता है कंपनीज कंपनी ऑडिट के क्वेश्चन में या कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में। एक तो सॉलिसिटेशन वाला पॉइंट ये पहले से था, और ये पॉइंट अभी रिसेंटली एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपना गाइडलाइन में रिलीज किया था कि जो ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेशन के रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को सर्कुलेट करता है उसका एक कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन आईसीआई को भी जाएगा, ठीक है। उस कौन सा नहीं, क्लॉज 6 में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो क्लॉज 6 ही लगाना है, क्लॉज 6 में स्पेसिफिकली दिया हुआ अबाउट दिस वेरी पॉइंट। ठीक है, तो अब अगर 140 सबसेक्शन 3 का क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, तो यू मस्ट नो कि सेक्शन 115 के साथ भी इसका कोरिलेशन है और प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज 6 के साथ भी इसका कोरिलेशन है पार्ट 1 का शेड्यूल 1 का, और प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज 9 के साथ भी इसका कोरिलेशन है। और अगर किसी ने प्रोफेशनल एथिक्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, अभी उतना रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ रेफरेंस नोट डाउन करके रख दीजिएगा, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट पढ़ोगे तब रिकॉल कर पाओगे। अब देखना 140 सबसेक्शन 5 रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स बाय द ट्रिब्यूनल, तो यहां पर कौन रिमूव कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल रिमूव कर रहा है, राइट। तो अब देखना सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 में ज्यादा कुछ नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स बाय द ट्रिब्यूनल, इसमें सिर्फ इतना बोला हुआ है कि अगर ऑडिटर फ्रॉड वगैरह के लिए दोषी पाया गया है तो इन दैट केस वहां पे ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ऑडिटर को रिमूव कर सकता है। एप्लीकेशन या तो हो सकता है कि सुओ मोटो बेसिस में ट्रिब्यूनल रिमूव कर रहा है, या फिर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है। अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है तो ट्रिब्यूनल के पास टाइम है कि 15 डेज में ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक्ट अपॉन करेगा, अगर एप्लीकेशन सीजी ने दिया है। यहां पे सबसे मेन चीज एक ही याद रखना है कि ग्राउंड है फ्रॉड, ग्राउंड ऑफ रिमूवल है फ्रॉड। दूसरा याद रखना है कि अगर एप्लीकेशन सीजी ने दिया है तो ट्रिब्यूनल इश्यू पास करेगा टू रिमूव द ऑडिटर विद इन 15 डेज, ये 15 डेज इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चीज इंपॉर्टेंट है, द पर्सन कंसर्न शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन 447, तो 447 का पेनल्टी यहां पे आ जाता है, जो पेनल्टी अपन लॉ में डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। और यहां पे एक 5 साल का ना डिबैरमेंट का ऑर्डर आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द ऑडिटर अगेंस्ट हुम ऑर्डर ऑफ रिमूवल हैज बीन फाइल्ड बाय द ट्रिब्यूनल शैल बी डिबेयर्ड टू एक्ट एज ऑडिटर इन एनी कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए टोटल बैंड है, वो किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि उसने कुछ फ्रॉड वगैरह किया था जिसकी वजह से ट्रिब्यूनल ने उसे रिमूव कर दिया है। तो इस सबसेक्शन के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है। अब देखना सबसे पहले हम लोग सेक्शन 143 में आ रहे हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर वैसे बहुत बड़ा सेक्शन है, कुल मिलाकर 15 सबसेक्शन हैं। अगर हमारा नॉर्मल रिवीजन क्लास होता तो मैं सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 15 तक सारे सबसेक्शन आपको याद करवाता फिंगर टिप्स में, और सबसेक्शन सारे याद करवाकर फिर हम अकॉर्डिंगली प्रोविजंस को देखते हैं। बट क्योंकि यहां पे हमारे पास एक लिमिटेड रिवीजन सेशन का टाइम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसेक्शन 3 90% चांसेस हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेक्शन 143 के ऊपर
तो एटलीस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस वो क्वेश्चन सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में से आएगा, तो इसीलिए हम फोकस सबसेक्शन 3 में कर रहे हैं, ठीक है। मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बाकी एक मैं ना ऑडियो क्लिप शेयर कर दूंगा आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें मैंने सारे 15 सबसेक्शंस याद करवाया हुआ है, तो अगर आप एक ऑडियो क्लिप सुन लेते हो तो आपको सारा 15 सबसेक्शंस याद हो जाएगा पूरा, ठीक है, नंबरिंग वाइज याद हो जाएगा। तो एक वो ऑडियो क्लिप मैं शेयर कर दूंगा, और यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट 143 सबसेक्शन 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो अब देखना 143 सबसेक्शन 3 में बोला हुआ है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में ना हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। अब इसका जो रिपोर्टिंग है, एक तो 143 सबसेक्शन 3 के अंदर है, एक एडिशनल रिपोर्टिंग दिया हुआ है अलग से, एक एडिशनल रिपोर्टिंग दिया हुआ है अलग से, और एक रूल 11 है। रूल 11 के अंदर 6 मैटर्स है जिसकी रिपोर्टिंग दी हुई है, 6 मैटर्स जिसकी रिपोर्टिंग दी हुई है। पहले ये 3 मैटर्स थे, फिर उसको 4 मैटर किया, फिर 4 में से एक हटाया, अब 3 मैटर दोबारा ऐड कर दिए, तो 6 मैटर्स हैं। तो ये रूल 11 पार्टिकुलरली आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे सेक्शन 143 की बात करें तो रूल 11 नंबरिंग के साथ आपको याद रखना है, रूल 11 में ये 6 पॉइंट है, क्योंकि इससे आने के चांसेस बहुत हाई है। तो पहले 143 सबसेक्शन 3 में जो रिपोर्टिंग है, इसमें बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि भाई मान लो मैनेजमेंट ने उसको सारा इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया। अगर मैनेजमेंट ने उसको सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बुक्स प्रोवाइड नहीं करे, तो वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा कि मेरे को बुक्स नहीं मिला। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइज विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो इंश्योर करेगा वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं कर रहा, तो वो रिपोर्ट कर देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस कंप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। बैलेंस शीट P&L बुक्स से मैच कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि बुक्स के अंदर कुछ अलग एक्सपेंडिचर दिया हुआ है बट P&L के अंदर कुछ अलग एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो वो आपस में टैली कर रहा है कि नहीं, ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दो है, एक है वेदर द डायरेक्टर इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बींग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 164, कि सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के अंदर कहीं डायरेक्टर डिसक्वालिफाइड तो नहीं है। याद है ना 164 सबसेक्शन 2, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनुअल रिटर्न 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक फाइल नहीं करा, या कंपनी ने डिपॉजिट वगैरह के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, ठीक है। तो अगर उन दो ग्राउंड्स की वजह से डायरेक्टर्स डिसक्वालिफाइड हैं तो ऑडिटर को यहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं एग्जामिनर हूँगा ना, मैं 164 सबसेक्शन 2 का क्वेश्चन लॉ में नहीं पूछूंगा, ऑडिट में पूछूंगा, क्योंकि ऑडिट में पूछने से क्या हो रहा है कि मेरे को 164 सबसेक्शन 2 भी कैन भी नॉलेज टेस्ट करने को मिल रहा है, और यहाँ पे मेरे को ऑडिटर्स रिपोर्ट का भी नॉलेज टेस्ट करने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस, क्योंकि IFC का रिपोर्टिंग पहले कंपलसरी कभी था ही नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद क्या हो गया कि IFC का रिपोर्टिंग कंपलसरी हो गया, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और जहाँ जनरल रूल के साथ एक्सेप्शन क्रिएट हो जाता है वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो रिपोर्टिंग ऑन IFC है, ये कुछ कंपनीज को नहीं लगेगा, जैसे वही 1% कंपनीज, वही स्मॉल कंपनीज, या फिर प्राइवेट कंपनीज जिनका टर्नओवर 50 CR से कम है, एंड एग्रीगेट ऑफ बोरोइंग्स जो है वो 25 CR से कम है, तो ये याद करना पड़ेगा। तो इनके ऊपर रिपोर्टिंग ऑन IFC नहीं लगेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट 164 सबसेक्शन 2 और ये IFC वाला जो पार्ट हो गया, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। अब जो अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट है रूल 11, ये हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज याद रखिएगा कि ये सेम रिपोर्टिंग बैंक ऑडिट में भी है, हो सकता है ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा जाए और बोल दिया जाए यू आर द ऑडिटर ऑफ द बैंक, तो एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। एक चीज और याद रखना, अगर आपसे वो पूछ रहा है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो आपको 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जो ए से आई के क्लॉजेस हैं ये भी लिखना है, रूल 11 के बारे में भी लिखना है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ रहा है कि एडिशनल रिपोर्टिंग क्या होगा, तो आपको सिर्फ रूल 11 के 6 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे 6 पॉइंट है, पहले से 3 था, 3 अब ऐड हुआ है। इसको याद करने का हमेशा मैं तरीका बताता था कि आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने यहां तरीका बताया हुआ याद करने का कि आप क्या कर रहे हो, अपना DP लगा रहे हो, हर जगह क्या लगा रहे हो आजकल, DP लगा रहे हो, हर जगह क्या कर रहे हो, DP लगा रहे हो। हर कोई क्या करता है,
डीपी लगाते फिरता है, हर कोई क्या करता है डीपी लगाते फिरता है। तो डी फॉर डिले इन ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, पी फॉर पेंडिंग लिटिगेशन, पी फॉर प्रोविजन फॉर लॉसेज। ये पहले से था कि मान लीजिए कंपनी को ट्रांसफर करना है सम अमाउंट टू आईपीएफ, डिविडेंड में पड़ता है ना अपन कि कब कब आईपीएफ में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, तो वहां पे डिले हो गया तो ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा। तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी, अगर मैं एग्जामिनर में अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा एग्जाम में, तो एज एग्जामिनर मैं क्या करूंगा, एक डिविडेंड का क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दूंगा, एक सिचुएशन दे दूंगा जहां पे प्रैक्टिकल आपको केस स्टडी दे दूंगा कि देयर इज अ डिले इन ट्रांसफर टू आईपीएफ, और पूछूंगा कि ये बताओ कि ऑडिटर का रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वहां पे डिविडेंड का भी प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सेक्शन 123 124 और रूल 11 के तहत आपको ऑडिटर का रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताना होगा। उसके अलावा पेंडिंग लिटिगेशन, कि कंपनी का अगर खिलाफ कोई केसेस वगैरह पेंडिंग है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या आने वाला है, उसके बारे में ऑडिटर को डिस्क्लोज करना है कि वट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द सेम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का अगेंस्ट एक केस फाइल किया हुआ है, केस पेंडिंग है, तो एक तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का प्रोविजन बनाया कि नहीं बनाया एज पर द एएस वगैरह, और दूसरा रिपोर्ट करना पड़ेगा पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तीसरा, अगर कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है, कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है, तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में लॉस हो, तो ऑडिटर को यह रिपोर्ट करना है कि सर आपने प्रोविजन फॉर लॉसेस बनाया कि नहीं बनाया। आज आपने एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है, कल को आपको लॉस हो गया तो उसके बारे में मेंबर्स को पता तो होना चाहिए कि कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड इन द फ्यूचर द कंपनी में इनकर सम लॉसेस। ये तो पहले से था, अब यहां पे ना तीन पॉइंट नया आ गया, तीन पॉइंट्स नए ऐड हो गया। एक हो गया मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, इसका हेडिंग दिया मैंने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, जहां पे ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग सम ऑफ द लोन्स। उसके अलावा एक पॉइंट नंबर फाइव है, सिंपल है, कंप्लायंस विद सेक्शन 123। ये सिंपल है, इसमें खाली यही है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि सेक्शन 123 कंप्लाई हुआ कि नहीं। तो सेक्शन 123 क्वेश्चन में बोल दिया कि कंपनी डिविडेंड क्या कर रही है, काइंड में पे कर रही है, एज ए ऑडिटर आपका रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एज ए ऑडिटर हमारा रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने को रिपोर्ट करना है रूल 11 के हिसाब से कि कंपनी सेक्शन 123 को कंप्लाई कर रही है कि नहीं, और क्योंकि कंपनी सेक्शन 123 को कंप्लाई नहीं कर रही हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, दिस इज एडिशनल रिपोर्टिंग मैटर। अब यहाँ पे आ गया पॉइंट नंबर सिक्स, रेलिवेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2022 ऑडिटर को ये चीज देखनी है कि कंपनियां जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से यूज कर रही है ना बुक्स मेंटेन करने के लिए, उसमें ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने का फीचर है क्या, ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने का फीचर है क्या। नॉर्मली क्या होता है कि काफी जो सॉफ्टवेयर यूज करता है कंपनीज, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत सारा होता है, पहले ये हुआ फिर वो हुआ और फाइनल एक आउटपुट होता है। तो उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काफी बार क्या होता है कि फाइनल आउटपुट रिकॉर्ड होता है, तो अगर सिर्फ फाइनल आउटपुट रिकॉर्ड होगा तो एज ए ऑडिटर मेरे लिए ऑडिट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज वाई बोला है कि वो जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर प्रॉपर ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो एडिटेबल नहीं होना चाहिए वरना कंपनी जाके एडिट कर देगा बैकलॉग से। और बोला कि कौन से डेट से देखना, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2022। पहले ये 2021 का डेट डाला था, फिर उसके बाद लगा कि कंपनीज ने बोला कि यार इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, 2022 कर दिया, हो सकता है आगे 2023 कर दें, 24 कर दें, अभी के लिए 1st April 2022 है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट आया है वो है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब देखना इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को लोन्स देना है, मे भी अपने रिलेटेड पार्टीज को लोन देना है, लेकिन प्रैक्टिकली कंपनी अगर डायरेक्टली रिलेटेड पार्टीज को लोन देगा तो ऑडिटर के नजर में आ जाएगा, सबके नजर में आ जाएगा। तो कंपनी क्या कर रही है, पहले लोन दे रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी थर्ड पार्टी को, पहले लोन दे रही है किसी इंटरमीडियरी को, एक इंटरमीडियरी चूज कराया मेरे को पैसा देना है आदित्य को, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं चाहता कि मेरे रिश्तेदारों को पता चले कि मैंने आदित्य को पैसा दिया है, तो मैं अपने रिश्तेदारों को क्या बोलूंगा, मैंने पैसा प्रतीक को दिया है, और प्रतीक को बोल दूंगा कि बाद में तू पैसा किसको दे देना, आदित्य को दे देना, तो घुमा फिरा के मैंने क्या करा दिया, प्रतीक तक पैसे पहुंचा दिए, है ना। सेम वे यहां पे है, देखो टेक्निकल एग्जांपल लोग है ना, मैं टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करूंगा याद नहीं रहेगा, ये सिंपल एग्जांपल आपको हमेशा याद रहेगा। अरे भाई उस दोस्त को पैसा पहुंचाना था, घर में बता के दूंगा तो बवाल हो जाएगा, तो पैसा किसी और को दिया वो उसको दे देगा, ये सेम चीज यहाँ पे हो गया। कंपनी लोन इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसी एक पार्टिकुलर कंपनी के ऊपर, लेकिन कंपनी नहीं कर रही है, क्या कर रही है, इंटरमीडियरी को कर रही है, और वो इंटरमीडियरी क्या कर रहा है, आगे लोन प्रोवाइड कर रहा है, पास ऑन कर रहा है, या इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी को, या गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब कर रहा है उसमें कोई गलत नहीं है, किया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है, आपने अगर इसके बारे में डिस्क्लोजर नहीं दिया, मतलब आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो। गलत नहीं है, मैंने प्रतीक को पैसा दिया बोला तुम आदित्य को देना, गलत थोड़ी है, लेकिन अगर इस बारे में मैं छुपा रहा हूं, सामने वाले ने मुझसे पूछा पैसा किसको दिए, मैंने बोला प्रतीक को दिया,
तब यानी कि मेरे मन में चोरी है। लेकिन सामने वाले ने मुझसे पूछा पैसे किसको दिए, वो आदित्य को दिलवाया प्रतीक से, यानी मेरे मन में कोई चोरी नहीं है। सेम चीज ऑडिटर्स को चेक करना, इसी का रिप्रेजेंटेशन लेना है कि भाई आपने इंटरमीडियरी को पैसा दिलाया है, इंटरमीडियरी के थ्रू किसी और को पैसा दिलाया है, आपने इसके बारे में क्या डिस्क्लोजर दे रखा है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर? अगर डिस्क्लोजर दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्लोजर नहीं दे रखा है तब दिक्कत है। तो ऑडिटर क्या करेगा, इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन लेगा कंपनी से, ऐसे 580 आप हमें लिख के दीजिए, आप हमें राइटिंग में दीजिए कि आपने ऐसे इनडायरेक्ट लोन्स के बारे में अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं। अदर सिचुएशन इज कंपनी अपने खुद का पैसा नहीं दे रहा, कंपनी कहीं से पैसा रिसीव कर रहा है, किसी फंडिंग पार्टी से पैसा रिसीव कर रहा है, किसी और से पैसा रिसीव कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, किसी और से रिसीव करके अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पास ऑन कर रहा है। तो प्रैक्टिकली अब क्या था, एक बंदे को लोन मिल नहीं रहा था मार्केट से, उसने बोला भाई तेरे को तो लोन मिल जाएगा, तू लेके मुझे दे दे। तो कंपनी ने यही काम करा है, खुद लोन लिया, किसी और को पास ऑन कर दिया अल्टीमेट बेनिफिशियरी को। तो ऑडिटर को यही चेक करना है कि डिस्क्लोजर है कि नहीं नोट्स अकाउंट्स के अंदर। डिस्क्लोजर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना रिपोर्ट करना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है कि आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है कि नोट्स अकाउंट्स के अंदर। तो ऑडिट प्रोसीजर में क्या आएगा, ऑप्टेन डब्ल्यू आर, ऐसे 580। डब्ल्यू आर किस चीज के बारे में, वेदर यू हैव मेड डिस्क्लोजर अबाउट सच काइंड ऑफ लोन्स इन द नोट्स टू अकाउंट्स। और दूसरा सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं लेना। अब मान लीजिए मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, भाई आपको घर वालों पे, घर वालों को आप पे शक है, घर वालों को शक है कि प्रतीक ने पैसा किसको दिलाया है, आदित्य को दिलाया है, बट नाम किसी और का ले रहा है, तो घर वाले से पूछेंगे अब प्रतीक ने बोल दिया नहीं मैंने किसी और को दिलाया है, या घर वाले वेरीफाई भी करेंगे प्रतीक जो बोल रहा है सच बोल रहा है कि नहीं, वेरीफाई भी करेंगे। तो सेम वे ऑडिटर से पूछेगा नहीं, सिर्फ डब्ल्यू आर नहीं लेगा, ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करेगा टू एंश्योर कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया है मेरे को मैनेजमेंट ने वो सही है कि नहीं है। अब आगे बहुत सारे इम्प्लीकेशन आ सकते हैं। मान लो किसी रिलेटेड पार्टी को इंडायरेक्टली लोन दिलाया है, तो वहां पे ऐसे 550 का भी इम्प्लीकेशन आ सकता है, वहां पे ऐसे 240 का भी इम्प्लीकेशन आ सकता है फ्रॉड। बट प्राइमा फेसे रिपोर्टिंग का होना है रूल 11 के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो अभी इंसर्ट किया गया है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर क्वेश्चन में उसने बोला कंपनी ने डायरेक्टली रिलेटेड पार्टीज को लोन दिया तो ऐसे 550, लेकिन अगर उसने बोला पैसा कहीं और से लिया फिर रिलेटेड पार्टी को फंड पास ऑन कर दिया, एज ए ऑडिटर आप क्या देखोगे, तब आपको क्या करना है, रूल 11 के अंदर रिपोर्टिंग भी करनी है। कौन सा? ये बैंक्स को एप्लीकेबल है पर्टिकुलरली, नॉट एनबीएफसी, बैंक्स। ठीक है, और बाकी 143 में बहुत कुछ है, बट फिलहाल हम 143 में बाकी चीजों में नहीं जा रहे। एक एडिशनल रिपोर्टिंग भी है 143 के अंदर जो इंसर्ट हुआ था पिछली बार, कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि जो रेमुनरेशन पे किया जा रहा है डायरेक्टर्स को वो सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग पे किया जा रहा है कि नहीं। तो ये भी एक एडिशनल रिपोर्टिंग है सेक्शन के अंदर ही। अब देखना फ्रॉड रिपोर्टिंग का जो पार्ट था ना, उसके अंदर भी पेनल्टी में मॉडिफिकेशन आया, तो इसलिए वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है खाली पेनल्टी की वजह से। 143 सबसेक्शन 12 टू 15, उसमें क्या था कि अगर ऑडिटर को किसी ऐसे फ्रॉड का पता चलता है या एंटिसिपेशन होता है, शक होता है, जिसका अमाउंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको उस फ्रॉड की रिपोर्टिंग किसको करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है, 60 डेज के अंदर करनी है। और फॉर्म नंबर प्रिस्क्राइब किया गया था 84, कि अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व है, अब ये अमाउंट एक्चुअल भी हो सकता है, मतलब फ्रॉड सच में हो गया, ये एंटिसिपेटेड भी हो सकता है, मतलब ऑडिटर को शक है, और इंडिविजुअल अमाउंट की बात हो रही है, मतलब 3-4 अमाउंट मिलाकर 1 CR क्रॉस हो रहा है वैसा नहीं कह रहे, एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जिसका अमाउंट 1 CR या 1 CR से ज्यादा है। तो यहां पे बोला गया है कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 CR है तो क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है इन 60 डेज, और किस फॉर्म में करना है, 84 में करना है, जिसमें मैनर ये बताया गया कि भाई सबसे पहले तो आप BOD को रिपोर्ट कर दो,
बीओडी ऑडिट कमेटी को इमिडिएटली रिपोर्ट कर दो, दो दिन में, 45 डेज में उनका जवाब आ जाएगा, फिर वो जो जवाब देंगे उसके साथ आप सीजी को रिपोर्ट करो। तो पहले बीओडी को बता दो इमिडिएटली, हो सकता है कि बीओडी आपका शक दूर कर दे, आपको लग रहा है फ्रॉड है बट बीओडी आपको रिमेनिंग वाउचर्स प्रोवाइड कर दे जिससे आपका शक चला जाए। तो बीओडी का जो जवाब आ जाएगा उसके साथ आप सीजी को रिपोर्ट करो, डायरेक्टली सीजी को मत भेजो, क्योंकि हो सकता है आपने बीओडी से रिप्रेजेंटेशन लिया ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन ले लेते तो 90% डाउट्स ऐसे ही खत्म हो जाते। अब यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो, तो यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज किया गया है। पेनल्टी अब चेंज हुआ है, पहले अलग था अब अलग है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। 143 सबसेक्शन 15 पेनल्टी क्या लगाया गया है, लिस्टेड कंपनीज के लिए 5 लाख रुपीज, अदर कंपनी के लिए 1 लाख रुपीज। अब ये पेनल्टी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कंपनीज एक्ट के अंदर लॉ मेकर ने फ्लैट पेनल्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। हमेशा आपने पेनल्टी क्या देखा है, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, पर डे इतना, लेकिन इस बार कंपनी लॉ में काफी सेक्शंस में ना फ्लैट पेनल्टी लगा दिया, एग्जैक्टली इतना, लाख रुपए ही लगेगा, 2 लाख ही लगेगा, 5 लाख ही लगेगा, ना कम ना ज्यादा। तो यहां पे भी क्या है, फ्लैट पेनल्टी है, यहां पे भी क्या है, फ्लैट पेनल्टी है। लिस्टेड कंपनीज के लिए कितना, 5 लाख, और अदर कंपनीज के लिए कितना, 1 लाख। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉड रिपोर्टिंग वाला बिकॉज ऑफ दिस पेनल्टी। अब देखना सेक्शन 147 भी इस बार के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, जो पेनल्टी का सेक्शन है, क्योंकि यहां भी क्या हुआ है, पेनल्टी में ना मॉडिफिकेशन आया, अमेंडमेंट आया है। अब देखना सेक्शन 147 में पेनल्टीज दोनों पार्टी पे लगाया गया है, बीओडी के ऊपर भी लगाया गया है और ऑडिटर्स के ऊपर भी लगाया गया है, बीओडी के ऊपर भी, ऑडिटर्स के ऊपर भी। बीओडी के ऊपर लगाया गया फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 139 to 146, और ऑडिटर्स के ऊपर लगाया गया फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 3 सेक्शंस, 139, 144, 145। पहले 143 भी था, अब 143 को हटा दिया। अब आपके मन में आ सकता है सर 143 को क्यों हटा दिया, 143 को हटा गया तो पेनल्टी कैसे लगेगा? तो भाई प्रैक्टिकली अगर 143 का कॉन्ट्रावेंशन होगा ना, वो इतना मेजर पेनल्टी है कि वहां पे सीधा आईसीआई एक्शन लेगा, नफरा एक्शन लेगा, वो इतना मेजर कॉन्ट्रावेंशन है कि डायरेक्टली आईसीआई एक्शन लेगा, बीओडी के अंदर डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के अंदर आपका मामला जाएगा और नफरा आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा, नफरा अपने पावर्स एक्सरसाइज करेगा सेक्शन 132 वाले, और नफरा आपके खिलाफ एक्शन लेगा। वो बोला नहीं है यहाँ पे, वो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे तीन ही सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर पेनल्टी है 139, 144, 145। अब बीओडी के ऊपर कितना, अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर कितना पेनल्टी है, कंपनी के लिए बोला मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, पहले भी यही था, खाली ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट में चेंज हुआ है। पहले ना ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को जेल में डाल देते थे, जेल में, लेकिन अब जेल वाला पार्ट हटा दिया, अब सिर्फ मॉनिटरी फाइन वाला पार्ट है, 10,000 से 1,00,000 रुपए के रेंज में, मिनिमम 10,000 रुपए, मैक्सिमम 1,00,000 रुपए। मतलब अगर आप अपने आप को इमेजिन करो कि भाई मैं कंपनी का ऑफिसर हूं, पहले कॉन्ट्रावीन कर देता था तो जेल जाना पड़ सकता था, अब जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि सेम पेनल्टी आप किसी और के, सेम प्रोविजन आप किसी और के ऊपर लेके याद करते हो, याद नहीं होता। सेम पॉइंट अपने ऊपर लेके याद करते हो, याद हो जाएगा। आप सोचो मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, मेरे को यह चेक करना है कि कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी को पैसा रूट करके लोन तो नहीं दिया। अगर मैंने चेक नहीं करा, मैं गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस हो सकता हूं, नफरत मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। मैंने फ्रॉड की रिपोर्टिंग 60 डेज नहीं करी तो भैया 5 लाख का फाइन लग जाएगा, लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं मैं। जैसे ही वो चीज आपने अपने ऊपर ले लिया ना, आपके लिए प्रोविजन के अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन और इंक्रीज हो जाएगा। सेम चीज आप रीड कर रहे हो, याद नहीं होगा। सेम चीज विजुलाइज करो अपने आप को, अपने ऊपर, भाई अपने तुम पढ़ने का पैटर्न ऐसा बना लो, मैं कैसे पढ़ता था, पढ़ने का पैटर्न ऐसा बना लो, अरे बाप रे लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं मैं तो, वहां तो मेरे को फ्रॉड मिला था, मैंने तो रिपोर्टिंग नहीं करा, मैनेजमेंट ने बोला मत करो, लेकिन यहां तो 5 लाख का फटका लग जाएगा, भाई कौन देगा, मैं तो कल के कल रिपोर्ट कर रहा हूं। तो जैसे ही वो सिचुएशन बनाकर पढ़ते हो ना, आपको याद भी रहने वाला, आप कभी भूलने वाले भी नहीं हो, ठीक है? तो हमेशा उससे कहानी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे फ्रॉड रिपोर्टिंग का रूल नंबर दिया हुआ है रूल 13, अब वैसे आपको याद नहीं होगा, लेकिन सपोज आप ऐसा याद कर लो, सपोज जैसे मैंने कैसे याद किया था, माई बर्थडे इज ऑन 13th एंड माई वर्क इज फ्रॉड रिपोर्टिंग। तो जैसे ही वो चीज मैंने दिमाग में उस वक्त बैठाया, कभी भूला ही नहीं 4 साल से, राइट? तो वो चीज अगर दिमाग में बैठा लेते हो, इस तरीके से पढ़ लेते हो, तो हमेशा याद रहने वाला है। पनिशमेंट फॉर ऑडिटर्स,
फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 139, 144, 145. अब ऑडिटर्स के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगा, ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, खाली चेंज यही है कि 143 हट गया. ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर ऑडिटर्स ने जनरली कॉन्ट्रावेंशन किया है, अनजाने में किया है, गलती से हो गई है, तो मिनिमम 25,000 रुपये लगेंगे, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ लगेगा, या रेमुनरेशन का 4 times लगेगा, विच एवर इज लेस. मतलब रेमुनरेशन 1 लाख है तो मैक्सिमम कितना लग सकता है, 5 lakhs, और 4 lakhs विच एवर इज लेस, यानी 4 lakhs. लेकिन अगर जानबूझ के किया है, मेंबर्स को धोखा देने के इरादे से कर रहा है, भैया तुम सोचो, तुम ऑडिटर हो, तुम जानबूझ के क्रेडिटर्स को धोखा देने के इरादे से फ्रॉड कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंट कर रहे हो सेक्शंस को, तो जेल भी जाना पड़ेगा. अब 25,000 का फाइन बन जाएगा 50,000, 5 लाख का फाइन बन जाएगा 25 लाख, 4 times का फाइन बन जाएगा 8 times, और साथ में क्या करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, अप टू 1 year इम्प्रिजनमेंट. ऐसा कंपैरिजन में पढ़ो, नॉर्मली कॉन्ट्रावेंशन करा 25,000, 5 लाख का फाइन और 4 times, जानबूझकर करा तो 25,000 बन गया 50,000, 5 लाख बन गया 25 लाख, 4 times बन गया 8 times, और जेल जाना पड़ेगा वो अलग. ठीक है, जेल जाना पड़ेगा वो अलग. अब देखो इसका ना सेक्शन 147 का इम्प्लीकेशन एक और जगह देखने को मिलता है. सेक्शन हो सकता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, लेकिन सेक्शन 147 को यूज करके एग्जामिनर के मन में अपने लिए बहुत अच्छा खासा इंप्रेशन बना सकते हो. मान लो सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बीओडी, मतलब एक क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा केस के फॉर्म में देगा वो, तो एग्जामिनर इतना सिंपल वे में देगा नहीं, बट उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किसने किया. आप सोच के देखो एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट आपके दिमाग में क्या क्या चीज चलना चाहिए. सेक्शन 139 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, 139 का क्या हुआ है, क्या मैं कह सकता हूं कि पेनल्टी लगेगा सेक्शन 147 के अंदर. अब पेनल्टी एग्जामिनर ने पूछा नहीं होगा, तुमने इतनी मेहनत से पेनल्टी याद कर ली, एग्जामिनर ने पूछा नहीं, तो यार पेनल्टी आता तो लिख के तो आओ, कोई मार्क्स नहीं काटेगा उसके, उल्टे एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि भाई पेनल्टी भी याद किया बच्चे ने पेनल्टी. और अगर हम यहां पे सीए एक्ट को कंसिडर कर लें तो क्लॉज 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल कि ऑडिटर को क्या करना है, एंश्योर करना है अबाउट द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139, 140, 141. समझ आ रहे हो ना कितना डीप इंप्लीकेशन है छोटे से पार्ट का. सेक्शन 145 काम का नहीं है, एक बार रीड कर लोगे, रीडिंग वाला सेक्शन है. ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट. 146 ऑडिटर्स टू अटेंड द जनरल मीटिंग. ऑडिटर खुद भी, इसमें खाली एक पॉइंट याद रखना है, ऑडिटर खुद भी अटेंड कर सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है. दैट रिप्रेजेंटेटिव शुड बी अ सीए, नॉट ए आर्टिकल असिस्टेंट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में वो भावना ही चलेंगे कि अच्छा आर्टिकल को भेज दिया, ठीक है. तो यहां पे बस एक गलती हो सकता है, वरना कुछ नहीं है इसमें. सेक्शन 142 रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, इसमें खाली आपको 2 points याद रखना है, रेमुनरेशन किसने फिक्स किया, रेमुनरेशन में क्या है, और तीसरी चीज अगर रेमुनरेशन नहीं दिया तो क्या ऑडिटर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है क्या. तो पहला चीज रेमुनरेशन किसने फिक्स किया, आप इतना याद रखो जो अपॉइंटमेंट करेगा वही रेमुनरेशन फिक्स करेगा, जो अपॉइंटमेंट करेगा वही रेमुनरेशन फिक्स करेगा, खाली एक्सेप्शन है गवर्नमेंट कंपनी. तो फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किसने किया था, तो कौन फिक्स करेगा. सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किसने किया था, तो कौन फिक्स करेगा. गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंटमेंट किसने किया था, फिक्स कौन करेगा. अब मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन बीओडी, एक्सेप्शन गवर्नमेंट कंपनी. लॉजिक क्या है, आप सोचो गवर्नमेंट कंपनी का मेंबर कौन है,
सीजीएसटी, सीएजी को बोला भाई ये फालतू का काम तू कर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, रेमुनरेशन फिक्स करने का काम हम करेंगे, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि अगर रेमुनरेशन नहीं दिया तो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है क्या? राइट ऑफ लियन मतलब हम तुम्हारा रिपोर्ट वगैरह जारी नहीं करेंगे। तो देखो सेक्शन में कोई मना ही नहीं है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की बात करें तो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह देखा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की बात करें तो लग रहा है कि किया जा सकता है, बट प्रैक्टिकली आप बताओ क्या ऑडिटर की डिग्निटी को शोभा देता है? नहीं, ऑडिटर के डिग्निटी को शोभा नहीं देता। हम गुंडागर्दी करने नहीं गए हैं, प्रोफेशनली वहाँ पे ऑडिट करने गए हैं। और इस डिबेट को ख़त्म कर दिया एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के गाइडलाइंस ने, इस डिबेट को ख़त्म कर दिया ईएसबी के गाइडलाइन ने, ईएसबी का जजमेंट आया था एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का, इसी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ईएसबी में डिस्प्यूट चल रहा था, तो ईएसबी का जजमेंट आया, राइट ऑफ लियन कैनॉट बी एक्सरसाइज। पहले भी आंसर यही बनता था, लेकिन पहले हम लॉ के कुछ सेक्शंस को कंसिडर करते थे कि सेक्शन 128 के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में होने चाहिए। तो अगर 128 के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में होने चाहिए तो ऑडिटर के पास लियन का एक्साइज राइट नहीं होना चाहिए कि वो अपने पास रिटेन नहीं कर सकता। बट अब ईएसबी ने डिस्प्यूट खत्म कर दिया कि राइट ऑफ लियन क्या नहीं किया जा सकता, एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। अपने को सिर्फ ईएसबी जजमेंट का कंसिडर करना है, ईएसबी जजमेंट का कंसिडर करना है। और साथ में आप क्या कर सकते हो कि इट इज इम्प्रैक्टिकेबल एज पर कंपनीज एक्ट, एक ये स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हो, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल एज पर कंपनीज एक्ट To exercise right of lien। और जब इम्प्रैक्टिकेबल की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आप सेक्शन 128 का एग्जाम्पल दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 128 के हिसाब से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में होने चाहिए। आईसीआई ने अपने प्रैक्टिस मैनुअल पे, जो पुराना प्रैक्टिस मैनुअल था, उसमें यही इस हिसाब से आंसर किया हुआ था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। और अब ईएसबी का नया जजमेंट आया, बट जब ईएसबी का जजमेंट आया उसके बाद क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो जब पूछा जाएगा तो आपको ईएसबी जजमेंट यहां पे कोट करना है। ठीक है, तो अब सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, कितने सब सेक्शंस थे? वैसे 11 थे। हमने याद क्या क्या किया था? फर्स्ट, सबसीक्वेंट, 5-7 एंड 1-6। दूसरा वाला क्या था? फर्स्ट था। 2-4 क्या था? रोटेशन था। 8 क्या था? कैजुअल वैकेंसी था। और 9 क्या था? डिम रीअपॉइंटमेंट था। 140 की बात करें तो रिमूवल, तो फर्स्ट ऑडिटर रिमूवल बिफोर एक्सपायरी सबसेक्शन 1, फिर क्या था सबसेक्शन 2 रेजिग्नेशन, इंटीमेट नहीं करा तो पेनल्टी सबसेक्शन 3, फोर स्पेशल नोटिस के थ्रू रिमूवल जिसका इंप्लीकेशन सेक्शन 115 के साथ देखा, क्लॉज 9 एंड 6 के साथ कोरिलेशन देखा, और साथ में क्या हो गया सबसेक्शन 5, दैट इज रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब उसके बाद देखना सेक्शन 141 लास्ट सेक्शन, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन। इसमें चार सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शन 1 एंड 2 क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें सब सेक्शन 1 के अंदर इंडिविजुअल का क्वालिफिकेशन आ गया, सब सेक्शन 2 में फर्म का आ गया,
सब सेक्शन 3 में डिस्क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। देखो एलिजिबिलिटी कब रेलिवेंट होगा, कि एक बंदा अपॉइंट होना चाहता है, अपन पूछ रहे हैं कि हो सकता है कि नहीं। और डिस्क्वालिफिकेशन कब रेलिवेंट होगा, बंदा ऑलरेडी सीए है, पूछ रहे हैं कि कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं। सब सेक्शन 4 है कैजुअल वैकेंसी, सॉरी वैकेट द ऑफिस। अब वैकेशन कब किसके साथ लगेगा, डिस्क्वालिफिकेशन के साथ या एलिजिबिलिटी के साथ? डिस्क्वालिफिकेशन के साथ, एलिजिबल नहीं तो कहानी वहीं खत्म। लेकिन एक बंदा ऑडिटर था, डिस्क्वालिफाइड हो गया, तो उसको वैकेट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब सेक्शन 4 भी लग जाएगा। और क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा तो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गया? यस, 139 सब सेक्शन 8 लग जाएगा। और अगर कैजुअल वैकेंसी अच्छे से फुलफिल नहीं किया, कैजुअल वैकेंसी फुलफिल नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगा 147, वो भी लग सकता है। तो यहाँ पे ये पूरा कोरिलेटेड है। डिस्क्वालिफिकेशन में एक पॉइंट है कि ऑडिटर ने सेक्शन 144 की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, दैट इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज। तो आप देखो वहां पे 141 सब सेक्शन 3 भी लगेगा, 144 भी लगेगा, 141 सब सेक्शन 4 भी लगेगा, और 139 सब सेक्शन 8 भी लगेगा, 147 भी लग जाएगा। तो आप सोच के देखो, ये फ्लो दिमाग में हमारा बैठा हुआ नहीं है। ये फ्लो क्लियर करो माइंड में कि कितना फ्लो हो सकता है, और खास करके अब जब इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज आता है तो उसमें तो ये फ्लो क्लियर होना और जरूरी हो गया है ना। तो ये फ्लो कि किस तरीके से सेक्शंस आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं। सी एक्ट के साथ अलग फ्लो बन सकता है, क्योंकि क्लॉज 9 के अंदर ऑडिटर को इंश्योर करना है कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139, 140, 141, तो वहां भी 141 आता है। क्लियर है? तो अब देखना सब सेक्शन 1, इसमें कुछ काम का नहीं है ज्यादा। इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए है, जो क्वालिफाइड है, सीए एक्ट के अंदर डिफाइंड है, वो ऑडिटर बन सकता है। सब सेक्शन 2, कोई भी सीए फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर एलएलपी है तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर सीएस होने चाहिए, और रिपोर्ट को साइन कौन करेगा, सिर्फ सीए करेगा। अब मेन क्या, सब सेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखना डिस्क्वालिफिकेशन में ना वैसे बहुत सारा क्लॉजेस दिया हुआ है, आपको डिस्क्वालिफिकेशन को याद करने का एक सिंपल फंडा बता रहा हूं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे जिंदगी में, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। आप डिस्क्वालिफिकेशन को ऐसे याद रखो, 3 ग्राउंड्स में डिवाइड करके। एक है यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब यहां डिस्क्वालिफाइड हो गए ना तो हर कंपनी में गए, हर जगह गए। दूसरा है डिस्क्वालिफिकेशन इन सेम कंपनी। अब यहां पे लॉ मेकर ने ट्रिक खेला है, आपको लगेगा कंपनी के साथ होल्डिंग भी आना चाहिए, सबसे भी आना चाहिए, एसोसिएट भी आना चाहिए, लेकिन लॉ मेकर ने सिर्फ वर्ड यूज किया सेम कंपनी। और तीसरा कंपनी प्लस ग्रुप कंपनीज। यहां आप देखोगे कि जो डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो रहा है वो कंपनी में भी हो रहा है, ग्रुप कंपनीज में भी हो रहा है, और अलग अलग क्लॉजेस में अलग अलग ग्रुप कंपनीज है, कहीं होल्डिंग सबसे एसोसिएट है, कहीं सिर्फ होल्डिंग सबसे है। ठीक है, अब देखोगे आप यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन, तो जैसे आप क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं हम इस कैटेगरी में डालते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आप घर जाके इस चार्ट को भरोगे, जो यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन में क्लॉज आना चाहिए उसको इसमें डालोगे, जो सेम कंपनी में आना चाहिए उसको इसमें डालोगे, जो कंपनी प्लस ग्रुप कंपनीज में आना चाहिए वो इसमें डालोगे। वही आपका होमवर्क है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन सा क्लॉज किस कैटेगरी में जाएगा, और फिर देखना आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं इस क्लॉज में, जितना कंफ्यूज होते हैं सब। पहला क्लॉज है बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट हमेशा डिस्क्वालिफाइड है क्योंकि इंडिविजुअली फर्म ही अपॉइंट हो सकती है। ये किस कैटेगरी में जाएगा? यूनिवर्सल, मतलब मैं इसको कैटेगरी ए बी सी में डाल रहा हूं, तो कैटेगरी ए लिख देता हूं वहां पे, तो ये कैटेगरी ए हो गया। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, सेम कंपनी बी, लेकिन अगर वो जो ऑफिसर एम्प्लॉय है, आप ये सोचो कि अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो प्रैक्टिकली कैटेगरी ए में चला जाएगा, क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है मतलब वो प्रैक्टिकली बन ही नहीं सकता। ए पर्सन हु इज ए पार्टनर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो ये किस में जाएगा? कैटेगरी बी में जाएगा, इन द सेम कंपनी। अब जो चौथा क्लॉज है, क्लॉज नंबर डी। अब एक चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है इस क्लॉज में, पर्सन हिज रिलेटिव हिज पार्टनर,
और इसमें कवर्ड भी तीन चीजें हैं, सिक्योरिटी, इनडेप्थनेस एंड गारंटी। तो लोग भी तीन और पॉइंट भी तीन। अब क्या बोला, सबसे पहले सिक्योरिटी बोला, इंडिविजुअल का या उसके पार्टनर का, कंपनी में एक रुपए का भी होल्डिंग है ना, वो डिस्क्वालिफाइड है। और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या बोला, कंपनी होल्डिंग सबसी या सबसी ऑफ होल्डिंग, यानी ये कैटेगरी सी में जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा बोला गया कि अगर रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है तो एक्सेप्शन दिया हुआ है कि वो 1 लाख रुपीज फेस वैल्यू तक सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है, जहां जहां प्रोवाइजो इंसर्ट किए जाते हैं वो ध्यान रखना होता है कि प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है। आप एग्जाम में लिख के आना रिलेटिव का पॉइंट प्रोवाइजो में दिया हुआ है, तो एग्जामिनर की नजर में इज्जत भरेगी, ठीक है। आपने ध्यान रखा है प्रोवाइजो वाली बात, तो अगर रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है तो वहां पे 1 लाख रुपीज फेस वैल्यू तक होल्ड कर सकता है। अगर आप 1 लाख रुपीज की बात करें, अगर 1 लाख रुपीज एक्सीड हो गया तो ऑडिटर्स के पास 60 डेज का टाइम है टू टेक करेक्टिव एक्शन। लेकिन ये बहुत ही एब्जर्ड पॉइंट है, प्रैक्टिकली तुम सोच के देखो यार, मान लो कि लेटर से जो प्रतीक है, प्रतीक की वाइफ जो है वो एक कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है, और प्रतीक जाके कह रहा है कि यार मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं और तुमने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 3 लाख रुपए फेस वैल्यू के, तो तुम एक काम करो अपने शेयर्स बेच दो, अगर तुम शेयर बेचोगे नहीं तो मैं ऑडिटर बन नहीं सकता, आई विल हैव टू वैकेट। अब प्रतीक की वाइफ डिमांड्स रखेगी, अच्छा ठीक है बच्चों, टाइम तो मिलता नहीं था तुम्हारे पास, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं शेयर्स बेचूं। तो मतलब एब्सर्ड सा पॉइंट है, प्रैक्टिकली तुम्हारे रिलेटिव जो है वो इंडिया के बाहर बैठे होंगे, यूएस वगैरह में बैठे होंगे, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर एनी ट्रैकिंग कि वो किस किस कंपनी में शेयर परचेज करके बैठे हैं, तो थोड़ा सा रिडंडेंट पॉइंट है। दूसरा है इनडेप्थनेस का। अब इनडेप्थनेस का जो पॉइंट है ये कॉमन है, इंडिविजुअल रिलेटिव पार्टनर, सिक्योरिटी वाले पॉइंट में भेदभाव था, तुम्हारा या तुम्हारे पार्टनर का सिक्योरिटी होल्डिंग चलेगा ही नहीं, 1 रुपए का भी नहीं चलेगा, रिलेटिव का 1 लाख रुपए का चलेगा। लेकिन इनडेप्थनेस का तीनों के लिए कॉमन है, गारंटी का तीनों के लिए कॉमन है, कि अगर तुम इनडेप्टेड हो टू द कंपनी या सब्सिडरी या होल्डिंग और एसोसिएट, राइट, या सब्सी ऑफ होल्डिंग, पूरा एक चेन दिया हुआ है, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज, ग्रेटर देन 5 लाख है, ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लाख नहीं है, ग्रेटर देन 5 लाख है, तो यहां तुम डिस्क्वालिफाइड हो, ये कैटेगरी सी में जाएगा। या गारंटी प्रोवाइड कर रखा है 1 लाख रुपए का, एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, तो ये कैटेगरी सी में जाएगा। क्लॉज ई की बात करें, अगर तुम्हारा या तुम्हारे फर्म का, अब यहां पे पार्टनर नहीं है, यहां पे रिलेटिव भी नहीं है, तुम्हारा या तुम्हारे फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, सबसी के साथ, होल्डिंग और एसोसिएट ऑफ सबसी के साथ, और होल्डिंग सबसी ऑफ और एसोसिएट कंपनी के साथ, और सबसी ऑफ सच होल्डिंग एसोसिएट के साथ, तो ये कौन सा कैटेगरी में जाएगा, कैटेगरी सी में जाएगा, कैटेगरी सी में जाएगा। अब खाली एक डिफरेंस है ध्यान रखना, जो क्लॉज डी है उसमें कहां कहां था, कंपनी सबसी होल्डिंग एसोसिएट, सबसी ऑफ होल्डिंग, सबसी ऑफ एसोसिएट था क्या, सबसी ऑफ एसोसिएट था क्या, नहीं, लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप वाले क्लॉज में सबसी ऑफ एसोसिएट भी है, बिजनेस एसोसिएशन वाले क्लॉज में सबसी ऑफ एसोसिएट भी है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ए पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंपनी एज अ डायरेक्टर और केएमपी, आपका रिलेटिव जो है कंपनी का डायरेक्टर है या की मैनेजर पर्सनल है, फॉर एग्जांपल प्रतीक की वाइफ कंपनी की डायरेक्टर है, तो अगर प्रतीक की वाइफ कंपनी की डायरेक्टर है, या लेट अस से प्रतीक की वाइफ कंपनी की एमडी है केएमपी, तो प्रतीक सिर्फ कंपनी में डिस्क्वालिफाइड है या कंपनी के सबसी में भी डिस्क्वालिफाइड है। ज्यादातर लोग गलती करेंगे, भावना में बह जाएंगे, कंपनी सबसी में भी डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा ये आंसर है, एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ सिर्फ कंपनी में डिस्क्वालिफाइड है, एज पर लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ सिर्फ कंपनी में डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि अगर हम लॉजिकल जाएंगे तो ऑडिटर को अपना इंडिपेंडेंस इंश्योर करना है, आईसीआई कहता है अपना इंडिपेंडेंस इंश्योर कीजिए, और भैया तुम्हारी वाइफ कंपनी में एमडी है, तुम उसके सबसी की ऑडिट कर रहे हो, तुम कभी इंडिपेंडेंस इंश्योर कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, तो आइडियली ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बट एज पर लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ कर सकते हो। तो ये कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी बी है, ये कौन सा है, कैटेगरी बी है, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, वो कैटेगरी सी में ले लेते हैं इसे। ए पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, तो क्लॉज बी में भी हमने कवर कर लिया था,
कि अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो किसी और में बन ही नहीं सकते, तो ये कौन सा हो जाएगा, कैटेगरी ए। या फिर बोला गया है कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है। एक इंडिविजुअल कितना कर सकता है, 20 का। अगर एक फर्म में चार पार्टनर्स हैं तो 20 का लिमिट पर पार्टनर देखेंगे, तो फर्म के लिए टोटल कितना हो जाएगा, 80। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एक्सेप्शन कि 20 कंपनीज की लिस्ट में किसको किसको बाहर कर दिया। तो बोला कि अगर आपके पास 1% कंपनीज का ऑडिट है उसको 20 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, अगर आपके पास स्मॉल कंपनीज का ऑडिट है उसको भी काउंट नहीं करेंगे, अगर आपके पास गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट है उसको भी काउंट नहीं करेंगे, और अगर आपके पास प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट है जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 CR से कम है उनको भी काउंट नहीं करेंगे। अब एग्जाम में अगर सेलिंग का क्वेश्चन आएगा, आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे दैट द लिमिट ऑफ सेलिंग ऑफ 20 कंपनीज इज नॉट एप्लीकेबल टू, पॉइंट नंबर 1, ओपीसीज एज डिफाइंड अंडर 2 clause 62 ऑफ कंपनीज एक्ट, डॉर्मेंट कंपनीज एज डिफाइंड अंडर 455, स्मॉल कंपनीज 285, प्राइवेट कंपनीज 268। ठीक है, अब देखना प्राइवेट कंपनी के केस में ना लॉ के अंदर अभी कुछ 1-1.5 साल पहले एक अमेंडमेंट आया था। जनरली जो भी एग्जम्पशन प्राइवेट कंपनी को दी गई, बोला गया आपको ये जो भी एग्जम्पशन दिया जा रहा है हम इस एग्जम्पशन में दे रहे हैं कि आप एनुअल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न का रेगुलर फाइलिंग कर रहे हो, आपके वहाँ कोई इरेगुलरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ROC या फिर एनुअल रिटर्न्स ROC को टाइमली बेसिस में फाइल नहीं कर रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके वहाँ पे इरेगुलरिटीज है, आपको वो एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे बोल दिया, बोला ये जो एग्जम्पशन है प्राइवेट कंपनीज को नहीं मिलेगा अगर इन्होंने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स टू द ROC। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से सेक्शन के अंदर फाइल करना होता है, 137 के अंदर फाइल करना होता है, विद इन 30 डेज फ्रॉम AGM, है ना, विद इन 30 डेज फ्रॉम AGM। और अगर AGM अटेंड हुआ नहीं तो लास्ट पॉसिबल डे जिस दिन AGM होना चाहिए था, और एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 जहां बोला विद इन 60 डेज। उसके बाद बोला है अगर एक पर्सन को कन्विक्ट किया गया है फॉर फ्रॉड तो वो 10 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड है, ये कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, ए कैटेगरी में आ जाएगा। और उसके बाद बोला गया है कि अगर एक पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 144 की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को या होल्डिंग को या सबसी को, सी कैटेगरी। मतलब सी कैटेगरी में 3 पॉइंट है, सी कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, सी कैटेगरी में 3 पॉइंट है। एक तो क्लॉज आई, आप इस सीक्वेंस में चार्ट बनाना, सी कैटेगरी में पहले क्लॉज आई का बनाना, फिर क्लॉज डी का बनाना, फिर क्लॉज ई का बनाना। लॉजिक पता है क्या, आई कैटेगरी में सिर्फ कंपनी के साथ साथ उसका होल्डिंग सबसे कवर्ड है, डी में आप देखोगे लेयर ऐड हो रहा है, कंपनी के साथ साथ होल्डिंग कवर्ड है, सबसे कवर्ड है, राइट, सबसे ऑफ होल्डिंग भी कवर्ड है, एसोसिएट कवर्ड है। और ई कैटेगरी में आप देखोगे कंपनी के साथ होल्डिंग कवर्ड है, सबसी कवर्ड है, सबसी ऑफ होल्डिंग कवर्ड है, एसोसिएट कवर्ड है, और सबसी ऑफ एसोसिएट भी कवर्ड है। तो सेम टॉपिक को आप सोचो, अब आप इमेजिन करो 141 जो अपने को इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है, कितना भी पढ़ लो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे ही आप ये चार्ट बना लोगे ना, आज जाकर यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन में क्या क्या आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट वाला पॉइंट आएगा, कोर्ट कन्विक्शन वाला पॉइंट आएगा, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट आएगा, 20 का सेलिंग लिमिट वाला पॉइंट आएगा, सेम कंपनी में ऑफिसर एम्प्लॉय वाला आएगा, रिलेटिव वर्ल्ड एक्टर इज द KMP वाला पॉइंट आ जाएगा, और कंपनी प्लस ग्रुप कंपनीज में आप देखोगे तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लॉज आई जहाँ पे 144 की सर्विसेज प्रोवाइड करी कंपनी होल्डिंग सबसी को, क्लॉज डी जहाँ पे 3 चीज़ें हैं, सिक्योरिटी इंडेपनेस गारंटी और क्लॉज ई। तो जैसे ही आप ये चार्ट बना लोगे आप देखोगे 141 इतना आसान हो गया, इतना सिंपल हो गया। और साथ में कोरिलेशन तो याद रखना ही आपको कि कब कब 141 सबसेक्शन 4 के साथ याद कोरिलेट करना है, कब कब सेक्शन 144 के साथ कोरिलेट करना है। और 144 की प्रोहिबिटेड सर्विसेज याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है, एड्स क्या हो गया, एड्स हो गया।
तो अब देखना ए फोर हो गया अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विसेज, ए फोर हो गया एक्चुअरियल सर्विसेज, राइट। उसके बाद आई फोर इंटरनल ऑडिट, आई फोर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, आई फोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डी फोर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंड देन वी हैव एस फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। तो ए से दो पॉइंट हो गया, आई से तीन पॉइंट हो गया, डी से एक पॉइंट हो गया, एस से दो पॉइंट हो गया, तो कुल मिलाकर देर आर नाइन प्रोहिबिटेड सर्विसेज। ठीक है, अब देखना एक चीज मुझे खाली आपको क्लियर करना है, एक कंफ्यूजन है जो बच्चों के माइंड में रह जाता है, बस वेट करो, पांच मिनट के अंदर ब्रेक हो जाएगा। यार सोचो मैं तो फेस टू फेस ले ही रहा हूं 2 साल के बाद,